आज मैं पलक गुप्ता आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ और उस कहानी का नाम है सूर्यवंशी। क्या अक्षय कुमार के कोस्टार कार्तिक साहू को कोरोना वायरस में बेचनी पड़ी सब्जियाँ? क्या लॉकडाउन से पहले ही ओडिशा आ गए थे एक्टर? क्या बॉलीवुड में ब्रेक से पहले बॉडीगार्ड के तौर पर भी कर चुके हैं काम? कोरोना वायरस महामारी के कारण कई लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा, न केवल दिहाड़ी मजदूर पर बल्कि महामारी का असर बॉलीवुड के कलाकारों पर भी पड़ा। लॉकडाउन की वजह से सभी टीवी शो और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। इसके बीच ही अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में एक्शन सीन्स करने वाले कार्तिक साहू को भी कोरोना में जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम न होने के कारण कार्तिक साहू को अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जियां तक बेचनी पड़ रही हैं। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के रहने वाले कार्तिक साहू ने बताया कि वह 17 वर्ष की उम्र में ही मुंबई अपना भाग्य आजमाने आ गए थे। बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले कार्तिक ने अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सितारों के बॉडीगार्ड के तौर पर भी काम किया। लॉकडाउन के कुछ दिन पहले ही वह जयपुर में फाइट शूटिंग के बाद ओडिशा वापस आ गए थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम न होने के कारण एक्टर को परिवार चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वह काम की तलाश में भुवनेश्वर भी गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने रसूल घर में सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। बता दें कि अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी 24 मार्च को ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिल्म की रिलीज डेट टली गई। फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के साथ साथ कैटरीना कैफ, जावेद जाफरे, गुलशन ग्रोवर, कुंदन मिश्रा, अभिमन्यू सिंह, विवान भटेना और सिकंदर खेर अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही सूर्यवंशी में अजय देवगन और रणवीर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे। हैरानी की बात तो यह है कि सूर्यवंशी के रिलीज से पहले ही इसके डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने कैटरीना कैफ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। हालांकि कैटरीना कैफ अभी भी रोहित शेट्टी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही हैं। दरअसल रोहित शेट्टी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ पर अपने एक कमेंट को लेकर ट्रोल के निशाने पर आ गए थे। हालांकि रोहित शेट्टी के कमेंट के लिए खुद कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर सफाई भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना कैफ ने उनकी सफाई देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट पे लिखी जिसमें था, प्यारे दोस्तों, मैं कभी भी किसी मीडिया रिपोर्ट और आर्टिकल पर कमेंट नहीं करती, लेकिन मामले में मेरे ऊपर रोहित सर द्वारा किए गए कमेंट को गलत समझा जा रहा है कि मैं एक शॉट दौरान आंख मारती थी, जिस पर रोहित शेट्टी ने कमेंट किया था कि इस फ्रेम में 4 लोग हैं और ब्लास्ट भी हो रहा है, इसलिए कोई आपकी आंख मारने पर ध्यान नहीं देगा। बता दें कि कैटरीना कैफ पहली बार सूर्यवंशी के जरिए रोहित शेट्टी के साथ काम करने जा रही है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के साथ साथ एक्टर अजय देवगन और रणवीर सिंह भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। दूसरी तरफ मूवी को लेकर अक्षय कुमार का कहना है कि सिर्फ धर्म और वो भारतीय होना अक्षय कुमार सूर्यवंशी फिल्म में इसी बात को पेश भी कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि सूर्यवंशी दुनिया को किसी एक धर्म के आईने में नहीं दिखाती। वह उन्हें पीटीआई से इंटरव्यू में कहा, मैं किसी धर्म में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ भारतीय होने में यकीन करता हूँ और फिल्म भी इसी बारे में है। फिल्म का विचार भारतीय होना है, ना ही कि एक हिंदू, पारसी या मुस्लिम होना। हमें किसी धर्म के संदर्भ में नहीं देखना है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट की है। इसमें सिंघम अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। अक्षय कुमार से यह पूछे जाने पर कि इस समय देश में माहौल ठीक नहीं है और ऐसे में फिल्म और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, इस पर सुपरस्टार कहते हैं, यह एक संयोग है, हमने कुछ ऐसा सोचकर फिल्म नहीं बनाई थी, लेकिन हाँ, मौजूदा समय में यह एक बहुत ही प्रासंगिक फिल्म है। 52 वर्षीय अक्षय कुमार फिल्म एटीएस सफर अफसर वीर सूर्यवंशी का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं, जिसमें मुंबई को आतंकी हमले से बचाना है। अक्षय कुमार कहते हैं, हम फिल्म्स बनाते हैं, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, मैं सिर्फ एक पात्र हूँ। हर फिल्म में अच्छे और बुरे पात्र होते हैं, दर्शक समझदार हो चुके हैं, वह जानते हैं कि उन्हें किस कैरेक्टर से सबक लेना है। रोहित शेट्टी के साथ पहले फिल्म काम करने को लेकर अक्षय कुमार ने कहा, रोहित के साथ काम करना काफी आसान है, मैं 28 साल से उस समय से जानता हूँ जब वह असिस्टेंट हुआ करते थे और आज वह एक जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। हम दोनों की एक्शन और कॉमेडी करना पसंद है। हमने फिल्म
55 टू 60 दिन में खत्म कर दिया था। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स की खास बातें क्या हैं और सूर्यवंशी को इंडियन एवेंजर्स क्यों कहा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्हा लेकर आए और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्हा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया एटीएस वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में। और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्हा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्हा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्हा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को। अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे जैसे अभिमन्यु सिंह, निकी तंधीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसू टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे इस कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है जो कि 27 मार्च 2020 है। तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और कॉप यूनिवर्स की फौज को देखने के लिए आपके मन में कितनी बेचैनी है। नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी में क्यों एंट्री होने जा रही है ऋतिक रोशन की? क्या एवेंजर्स इन्फिनिटी वार को पीछे छोड़ देंगे रोहित शेट्टी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सिंघम, सिम्हा और सूर्यवंशी की तिगड़ी में सुपर 30 में आनंद का शानदार किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन को भी बतौर एक पुलिस अफसर रोहित शेट्टी लाने वाले। ऋतिक ने हाल ही में मुंबई पुलिस के सालाना जलसे
उमंग में एक पुलिस अफसर का किरदार करने की मंशा जाहिर की थी और गुरुवार सुबह से मुंबई में मची हलचल इसी के आगे की कहानी। ऋतिक रोशन की कद काठी के हिसाब से वो वर्दी वाले किरदारों के लिए बहुत ही मुफीद रहते हैं। फिल्म लक्ष्य में फौजी बनकर वो ये दिखा भी चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल रिलीज हुई फिल्म वार में भी वो एक खुफिया एजेंट के तौर पर दिखे। पिछले साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वार के अलावा ऋतिक रोशन की पिछले साल की रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 ने भी काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। किसी पुलिस अफसर का किरदार करने के लिए सबसे पहले ऋतिक रोशन के नाम की चर्चा शुरू हुई निर्माता निर्देशक नीरज पांडे के फिल्म विक्रम वेदा के लिए। तमिल की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा की इस हिंदी रिमेक में ऋतिक का नाम उस किरदार के लिए सामने आया जिसे मूल रूप में दमदार अभिनेता आर माधवन ने निभाया था। फिल्म में विजय सेतुपति वाला किरदार करने के लिए आमिर खान के हाँ कर देने की बात पहले ही नीरज पांडे बता चुके हैं। पुलिस की वर्दी पहनने के लिए मचल रहे ऋतिक को रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में उनके फैंस भी देखना चाहते हैं। गुरुवार की सुबह मुंबई में फैली खबर इन्हीं भावनाओं के ज्वार पर तैरी। कहा गया कि रोहित अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी में ऋतिक रोशन को वैसे ही सामने लाएंगे जैसे फिल्म सिम्हा में वो अक्षय कुमार को लाए थे। इस बार सूर्यवंशी के साथ पर्दे पर सिम्हा और सिंघम दोनों दिखने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस खबर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन ऋतिक के दरवाजे उन निर्देशकों के लिए अभी भी खुले हैं जिनके पास उनके लिए एक दमदार कहानी हो। रोहित शेट्टी ऋतिक रोशन की कौन सी ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं? और सत्ते पे सत्ता के रीमेक में शक्ति कपूर अपने किरदार में किसे देखना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, डायरेक्टर रोहित शेट्टी काफी वजहों से आजकल सुर्खियों में है। उनका शो खतरों के खिलाड़ी का अगला सीजन आने वाला है जिसके लिए फैंस में अच्छी खासी क्रेज है और जिसके लिए एक्साइटेड रहते हैं हमेशा फैन, कि इस सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा वो अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस साल भी उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं। लेकिन इस वक्त जिस फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है उनकी कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म यानी कि सूर्यवंशी। दोस्तों, जब सूर्यवंशी का इशारा किया गया था सिम्बा में, सिम्बा फिल्म जब आई थी उसमें अक्षय कुमार के रोल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब खबरें आ रही है कि सूर्यवंशी में ऐसा ही कुछ हो सकता है। इससे पहले अजय देवगन ने ये अनाउंस किया था कि सूर्यवंशी में सिंघम 3 का इशारा आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि सिंघम 3 कब आ रही है। लेकिन अब एक और खबर आ रही है जिससे पता चलता है कि ऋतिक रोशन भी आपको सूर्यवंशी में नजर आ सकते हैं और अपनी अगली कॉप यूनिवर्स की फिल्म में रोहित शेट्टी ऋतिक रोशन को कास्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ऋतिक रोशन की ही एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया था कि उन्होंने हर किरदार किए हैं लेकिन कभी किसी सुपर कॉप का किरदार नहीं किया। वो भी एक ऑफिसर की भूमिका करना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर की, और अगर कोई डायरेक्टर उनके लिए ये किरदार लिख देगा तो वो ज़रूर वो फिल्म करेंगे। तो अब हो सकता है कि रोहित शेट्टी जल्द से जल्द ऋतिक रोशन के लिए अपनी अगली कॉप फिल्म बनाए। वेल दोस्तों, ऋतिक रोशन का नाम रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सत्ते पे सत्ता के साथ भी जुड़ रहा है। सत्ते पे सत्ता का रीमेक बनने जा रहा है जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और इसमें सात भाइयों की कहानी थी। इसमें हेमा मालिनी भी आपको नजर आई थी। पहले अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए शाहरुख खान को कास्ट करने की खबरें थी लेकिन इसके बाद ऋतिक रोशन का नाम आने लगा। और हेमा मालिनी की अगर हम बात करें तो उनके किरदार के लिए अनुष्का शर्मा और सारा अली खान का नाम हमेशा से आता रहा है। तो हो सकता है कि सत्ते पे सत्ता के जो रीमेक है उसमें ऋतिक रोशन और सारा अली खान साथ नजर आए। वेल दोस्तों, इस फिल्म में शक्ति कपूर भी थे जिनका बहुत ही अच्छा किरदार देखने को मिला था और इनके किरदार की काफ़ी तारीफ की गई थी। और अब शक्ति कपूर चाहते हैं कि जब इसका रीमेक बने यानी सत्ते पे सत्ता का रीमेक बने तो उनके बेटे सिद्धांत कपूर उनका रोल करें। उनकी ये दिली ख्वाहिश है और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बारे में उन्होंने फराह खान से बात की है तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने फराह खान से इस बारे में बात की है और अगर फराह खान को लगेगा कि सिद्धांत इस रोल के लिए बैठते हैं तो वो जरूर सिद्धांत कपूर को इस रोल के लिए कास्ट करेंगे। ये सारा डिपेंड करता है फराह खान पे। रोहित शेट्टी ने भी सत्ते पे सत्ता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फराह भी इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही है
तो फिलहाल तो रोहित शेट्टी सिंघम 3 की तैयारी करेंगे अपने फिल्म सूर्यवंशी के बाद, उसी के बाद वो सत्ते पे सत्ता के रीमेक में काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। किस टुटके के चलते अक्षय कुमार ने बदली सूर्यवंशी के ट्रेलर की रिलीज डेट? अक्षय कुमार के पास हिट फिल्म देने का कौन सा फार्मूला है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सिनेमा जगत में ऐसे ढेरों कलाकार हैं जो फिल्म की सफलता के लिए तरह तरह के टुटके इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी के ट्रेलर लॉन्च की तारीख को लेकर भी सामने आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर पहले 27 फरवरी 2020 को लॉन्च होना था, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव करते हुए 2 मार्च 2020 कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस तारीख पर बनने वाले अंकों का जोड़ 9 है, जो कि अक्षय के लिए लकी है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार अक्षय कुमार का लकी नंबर 9 है और 2 मार्च 2020 का जोड़ भी 9 है। इस वजह से वो इस ट्रेलर को इसी दिन रिलीज करना चाहते हैं। यहाँ तक कि 27 फरवरी को भी इसी वजह से ट्रेलर रिलीज के लिए चुना गया था। वहीं ये फिल्म 27 मार्च को रिलीज हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्षय की फिल्म गुड न्यूज 27 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसका ट्रेलर 18 नवंबर को आया था। वहीं मिशन मंगल का ट्रेलर भी 18 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इन सभी तारीखों का जोड़ 9 होता है, इसलिए वो अपने इस लकी समीकरण को बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि जब भी कोई खास मौके पर फिल्म रिलीज का मौका मिलता है तो वो उस मौके को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। अभी ट्रेलर लॉन्च की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। गौरतलब है कि सूर्यवंशी का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। रोहित की कॉप फ्रेंचाइजी की ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में सिंघम स्टार अजय देवगन और सिम्बा स्टार रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। दोनों फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में दिख सकते हैं। आखिर कैसे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने बॉलीवुड के तीनों खानों को पीछे छोड़ के रख दिया है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अक्षय कुमार ने साल 2019 में नए इतिहास रच दिए हैं। साल 2019 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई जो बैक टू बैक सुपर हिट रही। उनकी फिल्म केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज ने मिलकर 760 करोड़ की कमाई कर ली है और ये वो नंबर है जो हर एक्टर का एक ड्रीम नंबर होता है। हर कोई इतने करोड़ की कमाई करना चाहता है, लेकिन अक्षय कुमार इकलौते ऐसे स्टार बन चुके हैं जिन्होंने ये आंकड़ा छू लिया है और इसी के साथ वो पहले एक्टर बन चुके हैं साल 2019 में जिन्होंने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। तो दोस्तों, ऑलरेडी 2019 में वो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2020 में भी अक्षय कुमार अपना ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, क्योंकि जिस तरीके का इस साल उनकी फिल्मों का लाइनअप है, इसको देख के लग रहा है कि अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचा देंगे। इस साल उनकी बड़ी बड़ी फिल्में जैसे सूर्यवंशी, बेल बॉटम, बच्चन पांडे रिलीज होने वाली है, साथ ही लक्ष्मी बॉम्ब भी इसी साल रिलीज होगी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार इस साल भी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के रख देंगे। वेल दोस्तों, इन फिल्मों के अलावा एक और फिल्म के लिए अक्षय कुमार चर्चाओं में है। दरअसल आनंद एल रॉय एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक सुपरस्टार की जरूरत थी। उसमें सारा अली खान और धनुष को वो ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं और अब खबरें हैं कि वो अक्षय कुमार को इस फिल्म में कास्ट करने वाले हैं, लेकिन खबरें हैं कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए 120 करोड़ की फीस चार्ज करने वाले हैं। वेल दोस्तों, इस बात में एक चीज गौर करने वाली है कि आनंद एल रॉय हमेशा से कम बजट की फिल्में बनाते हैं, लेकिन अगर एक्टर का बजट बढ़ जाएगा तो फिल्म का बजट बढ़ना भी लाजमी सी बात है। आनंद एल रॉय ने अब तक बहुत कम बजट की फिल्में बनाई हैं। अगर उनकी फिल्म जीरो को छोड़ दिया जाए, फिल्म जीरो का जो बजट था वो 150 करोड़ रुपए था। वेल दोस्तों, इसके पीछे कई रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन अक्षय कुमार ने इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अक्षय कुमार की टीम का मानना है कि जैसे कि अक्षय कुमार हर जॉनर में कमाल कर रहे हैं, उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है और डिजिटल दुनिया से लेकर सैटेलाइट दुनिया में हर जगह अक्षय कुमार छा चुके हैं, इस हिसाब से उनकी फीस का बढ़ जाना एक बहुत ही लाजमी सी बात है और उनकी फीस बढ़नी चाहिए।
वैसे दोस्तों देखा जाए तो अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ के रख दिया है। जब उनकी फिल्म केसरी आई थी तो तब तक उन्हें ऐसे हीरो में गिना जाता था जिनकी फिल्में अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन केसरी के बाद जब मिशन मंगल आई, गुड न्यूज आई और हाउसफुल 4 आई तो अक्षय कुमार ने प्रूव कर दिया कि वो ही बॉलीवुड के अगले किंग है और बॉक्स ऑफिस के किंग बन गए हैं। अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख की फिल्मों का ग्राफ देखा जाए तो पिछले साल उनकी 0 रिलीज हुई थी जो सुपर फ्लॉप रही और आमिर खान की भी पिछली फिल्म सुपर फ्लॉप रही। तो इस हिसाब से अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को पीछे छोड़कर रख दिया है। अक्षय कुमार ने किस फिल्म को लेकर की है 120 करोड़ की डील? अक्षय कुमार कैसे बन गए सबसे बड़े सुपरस्टार और अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवीज कौन कौन सी हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहने में कोई गुरेज नहीं रहा कि साल 2019 के सबसे कमाऊ सुपरस्टार बने हैं अक्षय कुमार। केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 के बाद गुड न्यूज ने अक्षय कुमार को फिर से बॉलीवुड का बिग सुपरस्टार बना दिया है। तो वहीं साल 2020 के लिए भी अक्षय कुमार के खाते में पृथ्वीराज और बच्चन पांडे जैसी हिंदी सिनेमा की मच मच अवेटेड फिल्मों की लंबी फेरिस्त है। तो ऐसे में अब अक्षय कुमार का नाम एक ऐसी फिल्म से जुड़ने जा रहा है जिसके लिए उन्हें 120 करोड़ की फीस दी जा रही है। अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म के लिए कुल मिलाकर 120 करोड़ की डील साइन की है। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर बढ़ती हुई उनकी लोकप्रियता है। अक्षय की फिल्में जितनी बड़े पर्दे पर कमाई बटोरती है ठीक उसी तरह सैटेलाइट और डिजिटल नेटवर्क पर भी उनका जादू रेटिंग के जरिए दिखाई पड़ता है। हालांकि अक्षय कुमार की ये 120 करोड़ वाली फिल्म का प्रोजेक्ट क्या होगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि सारा अली खान और धनुष इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। वहीं साल 2018 की बात की जाए तो अक्षय कुमार की तीनों फिल्में पैडमैन, गोल्ड और 2.0 ने तगड़ा बिजनेस किया। पैडमैन ने जहां 207 करोड़, गोल्ड ने 151 करोड़ और 2.0 ने 800 करोड़ की जबरदस्त कमाई की। साल 2019 में अक्षय कुमार ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। 2019 मार्च में रिलीज फिल्म केसरी ने 203 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जिसके बाद 15 अगस्त को आई फिल्म मिशन मंगल ने 227 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 ने भारत में 290 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं, कमाई के लिहाज से अक्षय कुमार ने भी कई स्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में अक्षय कुमार का स्थान 33वां है। और इसी के साथ माना जा रहा है कि अक्षय कुमार अपनी हर फिल्म से कम 50 लाख डॉलर यानी कि 34.19 करोड़ रुपए से लेकर 1 करोड़ डॉलर यानी कि 68.40 करोड़ की कमाई करते हैं। तो दोस्तों जहां 2019 में अक्षय कुमार ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, आपको क्या लगता है क्या 2020 में अक्षय कुमार 2000 करोड़ का आंकड़ा छू पाएंगे या नहीं? सूर्यवंशी फिल्म महा एक्शन फिल्म क्यों है और क्या इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में आपको शॉर्टलेस सीन नजर आने वाला है? नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियो में। खैर आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी फिल्म की। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म आजकल बहुत चर्चाओं में चल रही है। वो क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि सिंघम और सिम्बा पहले आ चुकी है और अब ये फिल्म लेकर रोहित शेट्टी आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। कॉ फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में आपको अक्षय कुमार सूर्यवंशी के किरदार में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि अक्षय कुमार के साथ बिग सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करती हुई नजर आने वाली हैं कटरीना कैफ। जी हां, कटरीना और अक्षय कुमार की यह जोड़ी 10 साल बाद एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगी। खैर हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान रोहित शेट्टी ने फिल्म को लेकर कुछ बातचीत की है, तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म में आपको खास क्या देखने के लिए मिलने वाला है। रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये जो फिल्म है इसकी स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट, नई और फ्रेशनेस के साथ आपके सामने आने वाली है। इसके साथ ही
उन्होंने ये भी कहा है कि जब ऑडियंस थिएटर के अंदर जाती है और जो सोच अपने साथ लेके जाती है कि फिल्म में एक नई कहानी होगी, कॉमेडी होगी, इमोशनल ड्रामा होगा, तो ये फिल्म बिल्कुल ही वैसी होने वाली है और ये दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। भाई इस इंटरव्यू में रोहित ने ये तो क्लियर कर दिया है कि ये जो फिल्म वो आपके सामने लेके आने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार रहेगी और आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें फिल्म के सेट से अक्सर फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें कैटरीना कैफ सेट पर झाड़ू लगाती हुई नजर आई थी, तो वहीं एक फैन ने अपने फैन पेज पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का सॉन्ग शूटिंग के दौरान का हुआ एक वायरल वीडियो भी सामने आया था। साल 2020 में अक्षय कुमार अपनी किन फिल्मों से मचाने वाले हैं धमाल, और इस साल क्या आपकी खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों पिछले साल अक्षय कुमार ने अपनी लगातार बैक टू बैक चार फिल्में दी और चारों ही सुपर डुपर हिट रही। पिछले साल उनकी गुड न्यूज, केसरी, मिशन मंगल जैसी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा के रख दी। और अक्षय कुमार पहले 700 करोड़ क्लब में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली और इस साल भी अक्षय कुमार का ऐसा ही कुछ प्लान है। हो सकता है कि अक्की ये वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। इस साल अक्षय कुमार साल का आगाज करेंगे अपनी फिल्म सूर्यवंशी के साथ। दोस्तों सूर्यवंशी में अक्षय कुमार एक सुपर कॉप का रोल प्ले करने वाले हैं और इसमें 90s के दौर में कैसे पुलिस ऑफिसर क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, उनकी क्या टेक्निक होती थी उस वक्त, इसको दिखाया गया है। फिल्म की कहानी ये है। वैसे जब इसका क्लाइमैक्स आप सभी के सामने आया था तो सबकी एक्साइटमेंट को इसने बढ़ाकर रख दिया था, क्योंकि इस वीडियो में बॉलीवुड के तीन बड़े सुपर कॉप सिम्बा, राउडी राठौर और सिंघम दिखे थे। तो ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और अजय देवगन ने इसी के साथ ये भी कहा था कि इसके क्लाइमैक्स से आपको सिंघम 3 का इशारा भी मिल जाएगा। दोस्तों ये फिल्म 27 मार्च को रिलीज होगी। इसके बाद एक और फिल्म अक्षय कुमार की आने वाली है जो कि उनकी बहुत अलग जॉनर की फिल्म है। फिल्म का नाम है लक्ष्मी बॉम्ब और ये फिल्म 5 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर भूत का किरदार करने वाले हैं। हाल ही में जब इसका पोस्टर रिलीज हुआ था तो अक्षय की बहुत वाहवाही हुई थी। इसमें अक्षय कुमार काफी खतरनाक दिख रहे हैं और देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार ये रोल बेहतरी से कर पाएंगे। आपको बता दें ये फिल्म साउथ इंडियन फिल्म कंचना का हिंदी रीमेक है। दोस्तों इसके बाद अक्षय कुमार फिल्म दुर्गावती में नजर आएंगे और इसमें उनके पॉजिटिव नजर आएंगी भूमि पेडनेकर। ये फिल्म भी साउथ इंडियन फिल्म भागमती का हिंदी रीमेक होने वाला है। इसके बाद आएगी अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म हेरा फेरी 3, जिसकी अनाउंसमेंट अक्षय कुमार ने कर दी है और सुनील शेट्टी ने भी इसका इशारा किया था कि हम तीनों ही ये फिल्में करने वाले हैं। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी और खबरें आई थी कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, लेकिन सुनील शेट्टी ने क्लियर कर दिया कि यही तीनों हेरा फेरी 3 करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद साल के लास्ट में आएगी अक्षय कुमार की पृथ्वीराज जो कि नवंबर में रिलीज होगी। इसी के साथ अगले साल का भी हम आपको शेड्यूल बता देते हैं। बेल बॉटम और बच्चन पांडे के साथ अक्षय कुमार आपके सामने आएंगे और धमाल मचा के रख देंगे। सूर्यवंशी में अजय देवगन ने रणवीर और अक्षय कुमार के साथ काम करने के बारे में क्या कहा है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी लंबे समय से चर्चाओं में है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में अक्षय कॉप के रोल में नजर आएंगे और इसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन का भी स्पेशल अपीयरेंस है। हाल ही में अजय देवगन ने फिल्म से जुड़ी एक झलक शेयर की थी जिसे देखकर फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इस सीन में बॉलीवुड के तीनों सुपर कॉप्स राउडी राठौर, सिम्बा और सिंघम धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आए थे और इस टीजर को देख फैंस की एक्साइटमेंट फिल्म के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब अजय ने बाकी दो स्टार्स के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाल ही में अजय की आने वाली फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के प्रमोशन के दौरान उनसे पूछा गया कि उन्हें सूर्यवंशी में दोनों एक्टर्स के साथ काम करके कैसा लगा। इस पर अजय ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अक्षय के साथ वहीं से शुरुआत की है जहां उन्होंने छोड़ी थी। आपको बता दें दोनों का एक दूसरे के लिए काफी प्यार और सम्मान है।
दोनों ने 90 के दशक में एक साथ कई फिल्मों में एक साथ काम किया। अजय ने आगे कहा कि अब रणबीर भी इस क्लब में शामिल हो चुके हैं। हम तीनों सिक्योर एक्टर्स हैं जिन्हें साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। वेल अजय, हमें भी इंतजार है आप तीनों की एक और फिल्म का। सूर्यवंशी फिल्म से किसको किया बाहर और किस एक्ट्रेस ने कहा कि उनको फिल्म में ना लेने पर रोहित शेट्टी को हर जाना भरना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस नीना गुप्ता को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी से हटा दिया गया है क्योंकि फिल्म के ट्रैक में उनका रोल फिट नहीं बैठ रहा था। कहा जा रहा है कि फिल्म से पत्ता काटे जाने से नीना गुप्ता काफी दुखी हैं और उन्होंने कहा कि अब रोहित अगली फिल्म के जरिए इसका हर्जाना भरेंगे। वेल, अब खुद नीना गुप्ता ने इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 दिन तक का शूट भी किया और फिर उन्हें बताया गया कि उनका रोल फिल्म से हटाया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए नीना गुप्ता ने कहा कि मेरा रोल सूर्यवंशी से इसलिए काटा गया क्योंकि मेरा ट्रैक फिल्म के लिए सही नहीं बैठ रहा था। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इससे बुरा लगा तो नीना ने कहा, नहीं, बल्कि ये तो हमेशा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक फिल्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं बैठता, लेकिन कोई बात नहीं। नीना गुप्ता ने आगे कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा ट्रैक फिल्म की कहानी में क्यों फिट नहीं बैठा। मैंने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। आपको इस बारे में मेकर से पूछना चाहिए। हालांकि नीना गुप्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि रोहित शेट्टी अपनी अगली किसी फिल्म में उन्हें कोई ऐसा रोल जरूर देंगे जो उन पर फिट बैठता होगा। वेल, नीना की अन्य फिल्मों की बात करें तो वो कंगना रनौत स्टारर पंगा और आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान में नजर आने वाली हैं। इससे पहले वो आयुष्मान के साथ बधाई हो में नजर आई थी और उस फिल्म में वो आयुष्मान की मां के किरदार में दिखी थी, जिसके बाद उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफें हुई और यही वजह है कि वो बॉलीवुड में आजकल काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं। साल 2019 में बॉलीवुड की किन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई सबसे ज्यादा धूम? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, साल 2019 बॉलीवुड प्रेमियों के लिए धमाकेदार फिल्मों से भरा रहा। इस साल बैक टू बैक इतनी बॉलीवुड फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। चलिए आपको बता देते हैं साल 2019 की वो टॉप 10 फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का नाम। फिल्म वॉर में टाइगर और ऋतिक रोशन के धमाकेदार एक्शन सीन्स ने फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए थे और इस फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा 480 करोड़ रुपीज। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आती है शाहिद कपूर की कबीर सिंह। इस साल लोगों के जवाब पर दो नाम खूब छाए रहे, कबीर सिंह और प्रीति। प्रीति के लिए कबीर का पागलपन देखकर लोग हैरान थे। फिल्म का गाना बेख्याली खूब छाया रहा और फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है 380 करोड़ रुपीज। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है विक्की कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विक्की की इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया था और सबके बीच हाउस द जोश डायलॉग ने जोश भर कर रख दिया था। फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन है 342 करोड़ रुपीज। इसके बाद नंबर आता है सलमान खान की भारत का। भारत में कटरीना कैफ और सलमान की जोड़ी ने एक बार फिर धूम मचा के रख दी और इस जोड़ी को लोगों और क्रिटिक्स से खूब वाहवाही मिली। इस फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है 325 करोड़ रुपीज। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है खिलाड़ी कुमार की मिशन मंगल। रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड इस फिल्म ने लोगों के बीच पेट्रियोटिज्म की भावनाओं को एक बार फिर से जगा दिया। अक्षय कुमार की इस फिल्म ने 290 करोड़ की धमाकेदार कमाई की। इसके बाद एक बार फिर अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 आती है जो 6वें नंबर पर है। फिल्म ने लोगों को खूब हंसाया। फिल्म का गाना बाला लोगों के बीच खूब छाया रहा। इसने यूट्यूब से लेकर टिकटॉक में धूम मचा दी थी और फिल्म का टोटल कलेक्शन है 278 करोड़ रुपए। 7वें नंबर पर आती है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की गली बॉय। फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और यहां तक फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था।
हालांकि बाद में ये ऑस्कर से बाहर हो गई। फिल्म का टोटल कलेक्शन है 238 करोड़ रुपीज। आठवें नंबर पर आती है टोटल धमाल। इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की आइकॉनिक जोड़ी ने एक बार फिर से धूम मचा कर रख दी। फिल्म का टोटल कलेक्शन था 228 करोड़ रुपीज। नौवें नंबर पर आती है श्रद्धा कपूर और सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे। इस फिल्म ने सबको अपने कॉलेज दिनों की याद दिला दी थी। फिल्म शुरू कब हुई और खत्म कब हुई पता ही नहीं चला। शुरुआत से आखिरी तक लोग अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए। फिल्म का टोटल कलेक्शन 212 करोड़ रुपए रहा। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है ऋतिक रोशन की सुपर 30 का। ये फिल्म मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ पर बेस्ड थी। सुपर 30 ने लोगों के दिलों पर खूब जादू चलाया। वैसे मानना पड़ेगा लिस्ट के टॉप में भी ऋतिक की फिल्म थी और टॉप 10 में भी ऋतिक की फिल्म। तो दोस्तों ये थी 2019 की टॉप 10 फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा के रख दिया। उम्मीद है कि साल 2020 भी फिल्मों के डबल डोज के साथ हमारे सामने आए। दोस्तों आपको 2020 में किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या अक्षय कुमार तोड़ देंगे सलमान खान के सभी रिकॉर्ड? क्या इस बार बन जाएंगे वो बॉक्स ऑफिस के रियल किंग? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, खतरों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनकी पंचुअलिटी ही उनको रियल किंग बनाती है। वहीं और इसी के चलते वो साल में 3 से 4 फिल्में करते हैं और सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करती है। पिछले ही साल की अगर बात करें तो पैडमैन और गोल्ड का कलेक्शन छोड़ दीजिए, लेकिन 2.0 ने तो ऐसा धमाल मचाया कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। 2016 में उनकी सभी फिल्मों ने 642 करोड़ का कलेक्शन किया। 2017 में नाम शबाना को अगर जोड़ दिया जाए तो 560 करोड़ का कलेक्शन किया। और पिछले साल यानी कि 2018 की तो बात ही अलग है, उनकी तीनों फिल्मों ने 1157 करोड़ का दमदार कलेक्शन किया। वहीं इस साल उनकी फिल्म केसरी तो रिलीज हो चुकी है जिसने 156 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और इसी के चलते अक्षय कुमार ने ये साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के वो रियल किंग हैं। साल की शुरुआत ही उन्होंने इतनी धमाकेदार कमाई के साथ की है। अब इसके बाद उनकी फिल्म आने वाली है मिशन मंगल। दोस्तों मिशन मंगल एक बायोग्राफिकल फिल्म है। 2013 में भारत के द्वारा किए गए मार्स मिशन पर ये बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, कीर्ति कुल्हारी, नित्या सैनन, बर्मन जोशी और अक्षय कुमार इतनी बड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों इसके बाद उनकी फिल्म आने वाली है गुड न्यूज। वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने अपनी देशभक्ति वाली फिल्मों से काफी सालों से लोगों की देशभक्ति भावना को इस कदर जगाया है कि लोग उनके डाई हार्ड फैन बन चुके हैं। वहीं गुड न्यूज की अगर बात करें तो ये दो कपल के रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घूमती है। एक कपल जिसकी शादी काफी समय पहले हो चुकी है लेकिन वो बच्चे के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर उनकी वाइफ के किरदार में नजर आएगी और करीना कपूर खान का बेटा यानी कि तैमूर खान भी इस फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं। और ये फिल्म पहले तो जुलाई में रिलीज होनी थी लेकिन कुछ फिल्मों के क्लैश के चलते इस फिल्म को 6 सितंबर 2019 को रिलीज किया जा रहा है। उनकी अगली फिल्म है हाउसफुल सीरीज की मच अवेटेड फिल्म हाउसफुल 4। दोस्तों हाउसफुल सीरीज की फिल्म 2010 में रिलीज की गई थी जिसे साजिद खान ने डायरेक्ट किया था। हाउसफुल 3 2016 में रिलीज की गई थी जिसे साजिद खान और फरहत सामजी ने मिलकर डायरेक्ट किया था। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ना केवल अच्छा कलेक्शन करके सबको एंटरटेन किया बल्कि फिल्में अवार्ड्स में नॉमिनेट भी की गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बेस्ट डायरेक्टर के लिए साजिद खान और बेस्ट एक्टर के लिए अक्षय कुमार को जी सिने अवार्ड में डायरेक्ट किया गया था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसी भी कॉमेडी फिल्म को नॉमिनेट होना बहुत ही बड़ी बात होती है अपने आप में। और अब इस सीरीज की चौथी फिल्म आने वाली है। आपको बता दूं पहले ये फिल्म साजिद खान और फरहत सामजी ही मिलकर डायरेक्ट करने वाले थे लेकिन #MeToo केस के चलते फरहत सामजी को फिल्म से हाथ धोना पड़ा जिसके बाद साजिद खान ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जब लंदन में फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो काफी सारी वीडियोस भी वायरल हुई थी। वहीं इस फिल्म में भी हमें काफी बड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है।
पिछली ही फिल्मों की तरह नाना पाटेकर भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन #MeToo केस के चलते उनको भी इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद राणा दग्गुबाती को उनकी जगह साइन किया गया। तो दोस्तों, दिवाली यानी कि 25 अक्टूबर को आप तैयार हो जाइए हंसने के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं हाउसफुल सीरीज की मच अवेटेड हाउसफुल 4। इसके बाद उनकी फिल्म है सूर्यवंशी, जो इस साल की मच अवेटेड फिल्म है, क्योंकि इसे रोहित शेट्टी लेकर आ रहे हैं। जब सिम्बा की शूटिंग चल रही थी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अजय देवगन को तो पता ही था क्योंकि उनको ट्रेलर में भी दिखाया गया था। लेकिन जब फिल्म के लास्ट सीन में अक्षय कुमार की एंट्री होती है तो रोहित शेट्टी ने वाकई में अपने फैंस को काफी अच्छा सरप्राइज दिया, और जिसके बाद उनकी इस स्पेशल अपीयरेंस से ये जाहिर हो गया कि उनकी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी आने वाली है। दोस्तों, सूर्यवंशी रोहित शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की पहली फिल्म होने वाली है, और सिम्बा और अजय देवगन के बाद रोहित शेट्टी के ये तीसरे पुलिस अफसर भी बनने वाले हैं, जिसको लेकर सब काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाने वाला है, क्योंकि एक तरफ है हमारे खिलाड़ी कुमार खतरों के खिलाड़ी, तो दूसरी तरफ है रोहित शेट्टी, जो एक बेहतरीन डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। स्टंट सीन और गाड़ियों को हवा में उड़ाना, फिल्मों में उनका डायरेक्शन काफी ज्यादा दमदार होता है। वहीं दोस्तों, रही बात अक्षय कुमार की कि वो सलमान खान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। जैसा कि हमने बताया, पिछले 3 सालों से उनकी इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं और सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन भी कर रही है, तो आज नहीं तो कल अक्षय कुमार ये रिकॉर्ड भी तोड़ ही देंगे। और बॉक्स ऑफिस के रियल किंग तो वो पिछले साल ही बन चुके हैं अपनी 2.0 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर, तो इस साल वो किस फिल्म के जरिए अपने बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तहस नहस करेंगे। सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स के लिए रोहित शेट्टी ने ऐसा क्या किया कि हो गया धमाका, और किन अपकमिंग फिल्म से करेंगे अक्षय कुमार धमाल। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रमोशन के साथ अक्षय कुमार इन दिनों अपनी एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही सूर्यवंशी की। अक्षय ने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर दी है और इसके लिए अक्षय हैदराबाद पहुंचे। इसके बाद से फिल्म के सेट से क्लाइमेक्स की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ने शेयर की है। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई देगी। करण जौहर बतौर निर्माता फिल्म के लिए किसी भी तरह की कसर बकाया नहीं रखना चाहते, तभी तो अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो भी सूर्यवंशी के लिए प्लान किया गया है। बता दें कि कैटरीना कैफ ने क्लाइमैक्स सीन की जो तस्वीर शेयर की है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्लाइमैक्स के लिए सिंघम और सिम्बा दोनों ही मिलेंगे सूर्यवंशी के साथ और करेंगे बड़ा धमाका फिल्म में। दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था पहले से ही, और अब ये खबर सामने आने के बाद से तो अक्षय कुमार के फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हो चुके हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार ने साल 2020 में अपनी फिल्मों की लंबी फेहरिस्त से पूरा कब्जा कर लिया है। 22 मई यानी कि ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब के साथ आंखों में काजल लगाकर किन्नर की भूमिका निभाएंगे अक्षय कुमार। फिल्म के पोस्टर ने पहले से ही सुपरहिट कैटेगरी में जगह बना ली है। किन्नर भूत और उसके बदले की कहानी पहले कांचना 2 में दिखाई जा चुकी है और इसी का हिंदी रिमेक है लक्ष्मी बॉम्ब। कियारा अडवाणी इसमें अक्षय के ऑपोजिट दिखाई देंगी। कंटेंट और किरदार के लिहाज से कांचना 2 को पहले से भी बहुत पसंद किया जा चुका है। अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन के दिन ये ऐलान किया था कि वो दिवाली पर पृथ्वीराज की कहानी लेकर आ रहे हैं। अक्षय कुमार की ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म होगी। राजा पृथ्वीराज की कहानी काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि 13 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अजमेर की गद्दी संभाली। बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने बिना हथियार के अपनी बहादुरी से शेर मार डाला था। संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी फिल्म में दिखाई जाएगी। क्रिसमस 2020 पर बच्चन पांडे की एक्शन कॉमेडी फिल्म के साथ अक्षय कुमार आ रहे हैं और ये तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रिमेक है, जहां 4 भाई मिलकर अपने बड़े भाई की शादी करवाते हैं ताकि वो भी शादी कर सके। हिंसा करना इनके परिवार के लिए आम है।
रोमांस, एक्शन और कॉमेडी से ये फिल्म भरपूर होगी और इसका लुक पहले ही काफी पसंद किया जा चुका है। रोहित शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी होली के करीब रिलीज होने की संभावना है। अक्षय एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी की भूमिका में होंगे, जहां पर अक्षय फिर से एक्शन करते हुए दिखेंगे। सिम्बा के बाद इसे फिर से रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म माना जा रहा है। ये होली पर रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार 15 अगस्त 2020 को भी कोई फिल्म के साथ सिनेमाघर में दिखाई दे सकते हैं। मिशन मंगल के साथ रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा और गोल्ड अक्षय की 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्में हैं। हर साल अक्षय 15 अगस्त के समय कोई ना कोई देश से जुड़ी कहानी लेकर आ ही जाते हैं। 15 अगस्त 2020 पर भी यही उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, अक्षय कुमार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। सूर्यवंशी में हुई किस नई एक्ट्रेस की एंट्री? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है, जहां एक और खबर है कि कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है। वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता, जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में एटीएफ चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की माँ के किरदार के लिए फाइनल किया गया है और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड़ देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक्स की मदद से और भी ज्यादा उम्रदराज दिखाया जाएगा, ताकि वो अक्षय की मां दिख सके। फिल्म में इनका रोल काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे वक्त बाद गुलशन ग्रोवर बड़ी कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं और फिल्म में उनका अंदाज काफी अलग होगा। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूर्यवंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंघम और सिम्बा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। और बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। माना जा रहा था कि ये तमिल फिल्म थीरन अधिगरम ओंद्रू की हिंदी रिमेक होगी, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी एकदम ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल अंदाज में अक्षय कुमार धमाका करते हुए नजर आएंगे बड़े पर्दे पर एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्बा लेकर आए और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्बा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया एटीएस वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में। और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्बा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्बा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा
कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्भा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को। अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है, जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे, जैसे अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसू टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे इस कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है, जो कि 27 मार्च 2020 है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को अभी से सुपरहिट क्यों कहा जा रहा है? सूर्यवंशी में 2018 की बेस्ट एक्ट्रेस के आ जाने से ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां एक और खबर है कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है, वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों में जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में ATS चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, जो आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की मां के किरदार के लिए फाइनल किया गया है और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड़ देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। नीना गुप्ता के एंट्री सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक की मदद से और उम्रदराज दिखाया जाएगा, ताकि वो अक्षय की माँ दिख सकें। फिल्म में इनका रोल काफी दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर न लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेंगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। सूर्यवंशी में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूर्यवंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और रणबीर सिंह यानी कि सिम्भा भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंघम और सिम्भा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। ये फिल्म किसी साउथ फिल्म का रिमेक नहीं है, बल्कि इसकी कहानी ओरिजिनल है, ऐसा रोहित शेट्टी कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। वहीं ताजा खबरों की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन,
और रणवीर सिंह भी नजर आ सकते हैं। सूर्यवंशी, सिम्हा और सिंघम के साथ रोहित शेट्टी धमाकेदार क्लाइमेक्स सीन शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। सूर्यवंशी 27 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। पहले फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी ने रिलीज खिसका लिया था। बहरहाल इस फिल्म के साथ पहली बार रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी बनी है, लिहाजा अक्षय के फैंस भी फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं अब अजय देवगन और रणवीर सिंह की एंट्री फिल्म को और धमाकेदार बनाने वाली है। हैदराबाद में क्लाइमेक्स की शूटिंग होने वाली है। सूर्यवंशी में सिंघम बने अजय देवगन और सिम्हा बने रणवीर सिंह खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। सिंघम और सिम्हा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। आपको बता दें, फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। रोहित शेट्टी का मानना है कि ये किसी तमिल फिल्म का रिमेक नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते नजर आएंगी। अक्षय कुमार फिल्म में एटीएस अफसर वीर सूर्यवंशी की भूमिका में दिखेंगे। यहां अक्षय कुमार आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स की खास बातें क्या हैं और सूर्यवंशी को इंडियन एवेंजर्स क्यों कहा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्हा लेकर आए और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्हा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया एटीएस वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में। और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्हा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्हा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्हा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को। अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है, जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे, जैसे अभिमन्यु सिंह, निकेतन धीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसु टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे इस कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं।
9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है, जो कि 27 मार्च 2020 है। तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और कॉप यूनिवर्स की फौज को देखने के लिए आपके मन में कितनी बेचैनी है। नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। आई एम अभिनव शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिल्म सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी वो फिल्म है जो कि रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार। हाल ही में अक्षय कुमार ने इसका पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसका कैप्शन अक्षय कुमार ने डाला है, अ बुलेट फॉर अ बुलेट, गेट रेडी फॉर रोहित शेट्टी सूर्यवंशी। आपको बता दूं कि ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज़ होने वाली है, यानी कि 2020 में ईद पर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल सलमान खान ईद पर आते ही हैं अपनी कोई ना कोई फिल्म लेकर। इस साल भी आ रहे हैं 2019 में भारत के साथ, और अगले साल शायद या फिर तो किक टू के साथ आएंगे, या फिर संजय लीला भंसाली के साथ उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको नाम दिया जा रहा है हम दिल दे चुके सनम 2। उसकी वैसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म क्लैश होगी, और ये जानबूझकर, मेरा तो मानना है कि जानबूझकर ये क्लैश किया जा रहा है, और कारण इसका एक ही है। अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है मार्च में, 21 मार्च को फिल्म केसरी जो आ रही है, उसमें पहले सलमान खान का भी एसोसिएशन होने वाला था, लेकिन सलमान खान को जैसे ही अजय देवगन की फिल्म तानाजी के बारे में पता चला, तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में, तो उन्होंने अपना केसरी से एसोसिएशन हटाकर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से कर लिया। और माना जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान का रोल छत्रपति शिवाजी का हो सकता है। तो जैसे ही अक्षय कुमार को यह बात पता चली तो अक्षय कुमार सलमान खान से थोड़ा खफा हो गए, जिसके बीच उनके बीच 36 का आंकड़ा हो गया, और शायद यही कारण है कि जिस वजह से सलमान खान के साथ अक्षय कुमार अगले साल क्लैश करने वाले हैं। बात करें अक्षय कुमार की इस साल की आने वाली फिल्मों की, तो क्या मैंने बताया कि केसरी आने वाली है मार्च 21 को, और फिर उसके बाद हाउसफुल 4, फिर उसके बाद आएगी गुड न्यूज़। अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो मिनिमम साल में 3 फिल्में तो देते ही हैं, और आजकल ऐसे और नए एक्टर्स आ गए हैं जो कि 3 से 4 फिल्में देने में विश्वास करते हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विक्की कौशल। और बात करें अक्षय कुमार की इस साल की फिल्म की, तो केसरी के बारे में तो मैंने बताया है कि मार्च 21 को अक्षय कुमार की केसरी आ रही है, फिर उसके बाद हाउसफुल 4 आएगी, फिर उसके बाद गुड न्यूज़ आएगी, और फिर उसके बाद ईद पर आएगी सूर्यवंशी, जिसके लिए अक्षय कुमार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है, अक्षय कुमार किसी भी फिल्म के लिए 40 से 45 दिन से ज़्यादा नहीं देते हैं। टिप टिप बरसा पानी के रिमिक्स में रवीना टंडन को लेकर अक्षय कुमार एक बार फिर से क्यों घिस दिए गए? टिप टिप बरसा पानी के तर्ज पर और किस गाने को बनाया गया था? रोहित शेट्टी दबंग 4 क्यों बनाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, टिप टिप बरसा पानी गाना सुनकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही पीली साड़ी पहने बारिश में नाचती झूमती रवीना टंडन। इससे बाकायदा एक जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। नो डाउट गाना काफी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, और अब अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी में इसे रिमिक्स करने जा रहे हैं। तो इस बारे में अपने फैंस को जानकारी देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है।
इस ट्वीट में अक्षय कुमार लिखते हैं, आई वुड हैव डेफिनेटली बीन डिसअपॉइंटेड इफ एनी अदर एक्टर वुड हैव रिक्रिएटेड टिप टिप बरसा पानी, अ सॉन्ग विच हैज बीन सिनोनिमस विद मी एंड माई करियर एंड आई कांट थैंक रतन जैन जी इनफ. At times like these, you realize we may have come a long way, but we also go back a long way. लेकिन ये बात अक्षय कुमार के फैंस के गले भी नहीं उतरी कि टिप टिप बरसा पानी उनका गाना है. इस गाने को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रवीना टंडन के लिए देखा था. इस गाने के बाद रवीना की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में भारी उछाल आया था, इसीलिए ये उनके करियर के प्राय वाले लाइन के साथ भी मैच करता है. ये गाना 1994 में आई फिल्म मोहरा का हिस्सा था. इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था विजू शाह ने. इसे अलका याग्निक और उदित नारायण ने मिलकर गाया था. राजीव रॉय डायरेक्टेड फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार, रवीना टंडन के अलावा सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल ने भी मुख्य किरदार निभाए थे. वेल, देखा जाए तो अक्षय कुमार के दिन पहले ही नहीं सही चल रहे, वो जो भी करने जाते हैं वो उल्टा ही हो जाता है. जैसे ये ट्वीट उन्होंने गाने के राइट्स मिलने के बाद रतन जैन को थैंक यू बोलने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ भी वो ट्रोल कर दिए गए. उनके फैंस ने ही उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कम से कम रवीना टंडन को क्रेडिट तो दे दीजिए. साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि ये इस क्लासिक को रीमेक करके खराब मत कीजिए, क्योंकि वो इस गाने की रवीना टंडन के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते. अक्षय कुमार के ट्वीट पर आए कुछ चुनिंदा कमेंट्स हम आपको सुनाते हैं. सारे निंजा ने ट्वीट किया है, यू आर अ ग्रेट एक्टर बट टिप टिप बरसा पानी वॉज नेवर सिनोनिमाइज्ड विद यू. रवीना टंडन रेन द शो देयर एंड वॉज द सोल एलिमेंट बिहाइंड इट्स सक्सेस. Give credit where it's due, else it's just another one of Bollywood Boys Club remaking an item song with an actress half their age. वहीं रितु ने ट्वीट किया है, credit to sizzling @ Tandon Raveena is missing. She deserves at least credit. She played a huge role. तो रमदास भारद्वाज ने ट्वीट किया है, I was so fixated to @ Tandon Raveena that only later people at home said you were the also there. तो सादिया हबीब लिखती हैं, wasn't that a रवीना टंडन song? She was the lead in the song. Her acting made it a big hit. Who knew you back then? तो उन्नति मदन ने ट्वीट किया है, I can't imagine this song without रवीना in it. Don't recreate it, please. तो एक मोहतरमा ने ट्वीट किया है, that song is synonymous only with रवीना टंडन and you didn't even mention her. You were not even the highlight of that song. Get that clear. तो इन ट्वीट से एक बात तो क्लियर है कि रवीना टंडन की कमी सबको खल रही है, और ये बात साबित भी होती है. आपको अक्षय कुमार की फिल्म दे दनादन तो याद ही होगी. इस फिल्म के गाने गले लग जा को भी टिप टिप बरसा के तर्ज पर ही बनाने की कोशिश की गई थी. इसमें कैटरीना कैफ ने पीली साड़ी भी पहनी थी और पानी झरने के नीचे खड़े होकर डांस भी किया था. और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये गाना टिप टिप बरसा की पॉपुलैरिटी के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था. अगर आपको अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का ये गाना याद नहीं है तो आप उसे YouTube पर देख सकते हैं. वेल, अब अक्षय कुमार ये गाना जिस फिल्म के लिए रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, और फिल्म सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं. वही कॉप यूनिवर्स जिसमें अब तक अजय देवगन की सिंघम और रणवीर सिंह की सिम्बा शामिल हो चुकी है. खबरों की माने तो रोहित शेट्टी सलमान खान की दबंग को भी अपने यूनिवर्स में लाना चाहते हैं. जी हाँ, वो भी दबंग 4 के साथ. यानी कि दबंग 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई और दबंग 4 की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है. वेल, आपको बता दें कि सूर्यवंशी में अक्षय कुमार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ DCP वीर सूर्यवंशी का रोल कर रहे हैं. वहीं पहले सुनने में ये भी आया था कि सलमान खान की संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड इंशाअल्लाह और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी एक ही दिन यानी कि ईद 2020 पर रिलीज होनी थी, लेकिन रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट ईद से प्रीपोन कर 27 मार्च 2020 कर दी है, ताकि सलमान खान हर साल की तरह ईद का पूरा फायदा उठा सके. या फिर ये उन्होंने इसलिए किया है कि वो सलमान खान को अपनी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं. क्योंकि अक्षय कुमार से भी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट बदलने का फैसला पूरी तरह से रोहित शेट्टी और सलमान खान का था, इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की गई है. अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सूर्यवंशी में रोहित शेट्टी क्या अक्षय कुमार को राउडी राठौर की तरह दिखाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों,
बॉलीग्राड स्टूडियोज लाया है आपके लिए हर रोज 1,000 रुपए जीतने का मौका। जीतने के लिए देखना ना भूले हर रात 9 बजे द लेट नाइट शो बाय बॉलीग्राड स्टूडियोज। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी इस समय फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ भी नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं और इन दोनों के झगड़े में बीच बचाव करने के लिए कई लोग आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने ये मजाकिया वीडियो बनाया है, जी हाँ, जो कि धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में कैटरीना कैफ फोन में एक अंग्रेजी वेबसाइट की खबर दिखाती हैं, जिसमें लिखा होता है कि अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के बीच झगड़ा हुआ है। इसके बाद वीडियो में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने ये वीडियो देखा? अगर नहीं तो फटाफट जाकर देखिए, आपको काफी एंटरटेनिंग लगने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के साथ पहली बार अक्षय कुमार इस तरह की धमाकेदार फिल्म के साथ नजर आने वाले हैं। रोहित शेट्टी को देखकर कह सकते हैं कि वो एक कॉप फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। तो वहीं अक्षय कुमार इससे पहले भी राउडी राठौर जैसी फिल्मों में पुलिस वाले धमाकेदार रोल निभा चुके हैं। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन उनके किरदार का खुलासा नहीं हुआ है। सूर्यवंशी एक एक्शन फिल्म होगी जिसमें अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी। अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री को भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और काफी लंबे समय बाद ये दोनों एक्टर्स पर्दे पर एक साथ नजर भी आएंगे, तो लोगों में दिलचस्पी ऑलरेडी काफी ज्यादा है। सो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अक्षय कुमार अब किस एक्शन कॉमेडी फिल्म से मचाने वाले हैं धमाल? क्या है फिल्म की खास बातें? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, ये पूरा साल तो अक्षय कुमार के नाम ही रहा। इस साल अक्की की बैक टू बैक 5 फिल्मों ने धमाल मचा के रख दिया और इस साल उनकी आखिरी फिल्म गुड न्यूज़ साल की हैप्पी एंडिंग कर गई। मतलब साल का आगाज भी अक्की ने किया और अब साल को बाय बाय भी अक्की ही कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकने वाली और वो है खिलाड़ी कुमार की रफ्तार। अब अक्की ने बिना रुके अगले साल की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने हाल ही में यशराज फिल्म के बैनर तले बन रही फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू की है। अक्षय की ये फिल्म अभी शुरू ही हुई थी कि ये खबर आई है कि उन्होंने यशराज फिल्म के साथ एक और फिल्म साइन कर ली है और इस फिल्म से डायरेक्टर राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल बॉलीवुड में डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू भी करेंगे। ये एक बड़ी एक्शन कॉमेडी फिल्म होने वाली है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट में एक सोर्स ने बताया कि फिल्म स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और 2020 के मिड में शूटिंग स्टार्ट होगी। अक्षय को ये काफी पसंद आ रही है और वो एक्शन कॉमेडी फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। सोर्स ने आगे कहा, ये प्रोडक्शन हाउस बिग बजट फिल्म के लिए जाना जाता है और इस जोनर में इसे और आगे बढ़ाने का आइडिया है। अक्षय को एक्शन पसंद है और आदित्य चोपड़ा फिल्म के हर स्केल पर खर्च करने को तैयार होंगे। इस फिल्म को 2021 में रिलीज करने का टारगेट है। फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू करने वाले शिव रवेल यश राज फिल्म के साथ 6 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने धूम 3 और बेफिक्रे जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। शिव उन नए डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ डेब्यू किया है। अक्षय कुमार इससे पहले बॉलीवुड में डायरेक्शन में डेब्यू करने वाले गुड न्यूज के डायरेक्टर राज मेहता, केसरी के डायरेक्टर अनुराग सिंह, मिशन मंगल के डायरेक्टर जगन शक्ति और टॉयलेट एक प्रेम कथा के डायरेक्टर श्री नारायण सिंह के साथ काम कर चुके हैं। ये सारी ही फिल्में सुपर हिट रही थी। वर्क फ्रेंड की बात करें तो अक्षय के पास आने वाली फिल्मों की लंबी लाइन है। वो सूर्यवंशी, बेल बॉटम, लक्ष्मी बॉम्ब और बच्चन पांडे नाम की फिल्मों में नजर आएंगी। दोस्तों, आपको अक्की की फिल्मों का कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान की कहानी में ऐसा क्या है जो अभी से अक्षय कुमार ट्रोल हो रहे हैं और आखिर फिल्म की कहानी क्या होने वाली है?
नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, जिसके बाद 2017 में ये ताज मानुषी छिल्लर ने जीता। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मानुषी छिल्लर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं पृथ्वीराज चौहान फिल्म से। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में नजर आएंगे। अक्षय कुमार ने इस बात की अनाउंसमेंट अपने बर्थडे पर की थी कि वो पृथ्वीराज नाम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं, और इस अनाउंसमेंट के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी रिलीज किया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। 11 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पृथ्वीराज को उनकी बहादुरी के लिए आज तक जाना जाता है। वैसे तो कन्नौज की राजकुमारी से उनकी शादी का भी किस्सा काफी दिलचस्प है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस कहानी का विलन, क्रूर अफगानिस्तानी सुल्तान मोहम्मद गोरी और उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई। जब से पृथ्वीराज चौहान की कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा हुई है, तब से फिल्म के विलन की कास्टिंग की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। फिल्म में मोहम्मद गौरी के रोल के लिए फिलहाल दो नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, पहले संजय दत्त और दूसरे मानव विज। संजू बाबा को तो आप पहचानते ही हैं, लेकिन मानव विज का इंट्रो हम आपको दे देते हैं। मानव पहली बार नोटिस किए गए शहीद भगत सिंह की लाइफ पर बेस्ड 2002 में आई फिल्म शहीद-ए-आजम में। फिल्म में उन्होंने सुखदेव का रोल निभाया था। इसके बाद कई पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने दोबारा हिंदी फिल्मों का रुख किया। तब से लेकर अब तक वो रंगून, उड़ता पंजाब, फिल्लौरी, नाम शबाना और लखनऊ सेंट्रल जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। मैं श्योर हूँ कि इन फिल्मों में आपने इस एक्टर को बिल्कुल नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मानव का सबसे दमदार काम आपको जरूर याद होगा। आपको बता दें कि आखिरी बार वो श्रीराम राघवन की आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म अंधाधुन में पुलिस वाले के किरदार में दिखाई दिए थे, वही पुलिस वाला जिसका अफेयर तब्बू के निभाए किरदार के साथ था। मानव को मोहम्मद गोरी के रोल के लिए कंसीडर किए जाने के पीछे की वजह ही है उनकी पर्सनैलिटी। कदकाठी के मामले में वो गोरी के किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय कर सकते हैं, लेकिन वो इस धांसू कैरेक्टर के बावजूद फिल्म के सेलिंग पॉइंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कद अभी उतना बड़ा नहीं है। दूसरी ओर गोरी के किरदार के लिए संजय दत्त को कास्ट किए जाने की बात भी चल रही है। इसके पीछे की वजह है संजय दत्त का फैन बेस और उससे फिल्म को मिलने वाली हाइप, और इसीलिए पृथ्वीराज में अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन विलेन यानी मोहम्मद गोरी का रोल संजय दत्त ही करेंगे। संजय दत्त की बात करें तो इन दिनों उनके हाथ कई सारी फिल्मों से भरे हुए हैं। आखिरी बार संजय दत्त को अपने ही होम प्रोडक्शन की फिल्म प्रस्थानम और आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के किरदार में देखा गया था। यशराज प्रोडक्शन की पीरियड एक्शन ड्रामा शमशेरा में भी वो एक नेगेटिव कैरेक्टर ही प्ले करते नजर आएंगे। वेल, कुछ ही दिन पहले KGF चैप्टर 2 से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया था, जिसमें वो एक और विभत्स विलन अधीरा का रोल करने वाले हैं। इन फिल्मों के अलावा उनके खाते में महेश भट्ट की सड़क 2 और अजय देवगन के साथ भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नाम की एक और पीरियड फिल्म है। फिलहाल जिस तरह का संजय दत्त का लाइनअप नजर आ रहा है, उससे ये बात पता चलती है कि वो एक के बाद एक कई पीरियड फिल्मों में नजर आने वाले हैं। ऐसे में यशराज अगर उन्हें अक्षय कुमार के साथ कोई फिल्म ऑफर करें तो वो क्यों ही मना करेंगे। वहीं अब अगर बात करें कि अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज की वजह से ट्रोल क्यों किए जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस फिल्म में जाति को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में जातिवाद को बहुत महत्व दिया जाता है कि कौन किस जात का है, कौन किस जात का था। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जब भी पीरियड ड्रामा फिल्में बनती हैं तो जात पात, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को लेकर विवाद हमेशा ही देखने को मिले हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। अक्षय कुमार की सहयोगिता की पहली झलक क्यों वायरल हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज कुछ दिन पहले ही अनाउंस हुई है और फिल्म दिवाली 2020 पर रिलीज हो रही है। फिल्म में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर सहयोगित के किरदार में नजर आएंगी, और अब मानुषी ने फिल्म से सहयोगिता की पहली झलक शेयर की है। मानुषी ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,
सहयोगिता। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं पिंजो फेम चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो फिल्म पर लगभग 7 सालों से काम कर रहे हैं। यशराज फिल्म की ये फिल्म काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है। फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जो चौहान वंश के मशहूर योद्धा पृथ्वीराज चौहान पर बन रही है। पृथ्वीराज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज करते थे। खास बात यह है कि इसी दिन कंगना रनौत की एक्शन फिल्म धाकड़ भी रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्देशक है रजनीश थे, जबकि प्रोड्यूस किया है सोहेल मकलाई ने। कंगना रनौत की एक्शन फिल्म काफी बड़े स्तर पर बनने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिवाली 2020 पर बॉक्स ऑफिस पर किसका धमाका होता है, अक्षय कुमार या कंगना रनौत। आने वाली फिल्म पृथ्वीराज में एक्टर्स का लुक कैसा है और क्या है इस फिल्म की कहानी और खास बातें? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। तो दोस्तों बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान को लेकर, चलिए चलते हैं हम इतिहास के पन्नों में आपको लेकर। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1149 में अजमेर में। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर देव और उनकी माता का नाम था कर्पूरी देवी। महज 11 साल की उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान के सर से पिता का साया उठ गया। उसके बाद उन्होंने अजमेर की गद्दी को संभाला क्योंकि उनके आसपास दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो बचते बचाते किसी न किसी तरीके से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और एक महान शासन के रूप में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी ने उन्हें एक गुरु आश्रम भेजा जहां पर उन्होंने शब्द वेदी बाण की विद्या सीखी। हालांकि ये विद्या राजस्थान के कुछ कबीला इलाकों में पाई जाती है और उन्होंने वो विद्या वहीं से सीखी अपने किशोर अवस्था में। इसके बाद वो घर वापस आते हैं, यानी कि अपने राज्य वापस आते हैं और गुजरात के किसी राजा के साथ उनकी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। महज उन्होंने 11 साल से पहले ही शब्द वेदी बाण की विद्या सीख ली थी। उनके पिता की मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात वो अजमेर के राजा बने। उसके बाद उनके नाना थे दिल्ली के राजा अनंगपाल। तो उनके नाना ने उन्हें दिल्ली का राजा बनाने के लिए इच्छा जाहिर की अपनी बेटी से, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की मां से, क्योंकि उनके नाना के पास कोई औलाद नहीं थी। एक उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्होंने अजमेर के राजा के साथ ब्याह दिया था। तो उसके बाद कहानी शुरू होती है कि जयचंद एक राजा थे कन्नौज के। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का नाम पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि देश विदेशों में भी गूंज रहा था क्योंकि उनके कारनामे ऐसे ऐसे थे। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का एक चित्र देखा था संयोगिता ने, और पृथ्वीराज चौहान ने भी संयोगिता का चित्र देखा था। दोनों ने ही एक दूसरे का चित्र देखकर आपस में प्रेम कर लिया। ये बात किसी न किसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को पता चल गई, लेकिन वहीं साथ साथ में संयोगिता के पिता, यानी कि कौन, जयचंद, बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या रखते थे पृथ्वीराज चौहान से। वो नहीं चाहते थे कि उनसे बड़ा राजा कोई हिंदुस्तान में पैदा हो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थे कि दिनों दिन बढ़े जा रहे थे और जयचंद था जो डेली की डेली भुना जा रहा था। तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में उन्होंने सारे राजाओं को बुलाया भारतवर्ष के, लेकिन एक राजा को नहीं बुलाया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। और वो यहीं पर नहीं रुका, उसने उनकी बेइज्जती करने के लिए एक लोहे की मूर्ति बनवाकर जो हूबहू पृथ्वीराज चौहान जैसी दिखती थी उसे द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो पृथ्वीराज चौहान थे। उन्होंने अपने कुछ वीर सैनिकों के साथ और अपने कुछ मित्रों के साथ संयोगिता का उस भरी सभा से, उस स्वयंवर की सभा से वरण कर लिया। यानी कि उन दोनों की ही, यानी कि संयोगिता भी चाहती थी पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान तो संयोगिता को चाहते चाहते थे। जब संयोगिता वरमाला हाथ में लिए हुए उस वर सभा में अपना वर ढूंढ रही थी तो उन्हें वो कहीं नहीं मिला जिसकी वो तलाश में थी। तो वो जब अंत तक गई तो वो देखती हैं कि उनके होने वाले स्वामी एक द्वारपाल के भेष में खड़े हैं। तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, वो वरमाला उनके गले में डाल दी। तो उस मूर्ति के पीछे साक्षात पृथ्वीराज चौहान छिपे हुए थे। तो जैसे ही संयोगिता ने वरमाला गले में डाली और उनके पैरों को छूने के लिए नीचे झुकी तो पृथ्वीराज चौहान ने उनके कंधों को पकड़कर उठा लिया, घोड़े पे बिठाया और वहां से कन्नौज से निकलकर सीधे दिल्ली आए। तो दिल्ली में विधि विधान पूर्वक उनका विवाह हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ।
लेकिन इसी बीच कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी आ रही होती है। तो उस मुसीबत का नाम था मोहम्मद गौरी। तब तक मोहम्मद गौरी छोटे मोटे राज्यों को लूटता हुआ, यानी कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान को, पाकिस्तान से निकलने के बाद पंजाब को, पंजाब के बठिंडा से पहले उसने अपने कैंप बनाए हुए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के रहते मोहम्मद गौरी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान के अंदर, उनकी सल्तनत के अंदर कदम रख सके। लेकिन पहला युद्ध हुआ, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार भगाया मोहम्मद गौरी को। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, लेकिन तब तक पृथ्वीराज चौहान अपने वैवाहिक जीवन में इतने व्यस्त हो चुके थे कि उन्होंने राज्य के कामकाजों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया था। लेकिन उनके जीजा थे, उनके जीजा का नाम था समर सिंह, वो भी राजा थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को फिर से चेताया कि पृथ्वीराज चौहान, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे राज्य की व्यवस्था इतनी ढीली पड़ी हुई है, तुम कर क्या रहे हो। लेकिन उसी के बाद एक और आंधी आई, उस आंधी का नाम था मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण। उस दूसरे आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार गए। उनकी हारने की वजह क्या थी ये भी हम आपको बताते हैं। उनकी हारने की वजह अपने ही लोग थे, क्योंकि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और जो जयचंद के अधीन राजा थे उन्होंने भी गौरी का साथ दिया। इस वजह से, अपने ही लोगों की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए। उस हार में उन्हें बंदी बना लिया गया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह रही कि उस आक्रमण में उनके जीजा, उनका भांजा, उनका बेटा मारे गए। लेकिन जब उन्हें बंदी बनाने के बाद उनके मित्र थे बचपन के चंद्रबरदाई, कवि चंद्रबरदाई, उनको और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर ले जाया गया मोहम्मद गौरी के राज्य में। तो एक बार की बात है कि मोहम्मद गौरी ने एक अभिलाषा व्यक्त की कि मैं पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण की वो कला देखना चाहता हूँ जिनके लिए वो विख्यात हैं, जिन्हें वो प्रख्यात हैं, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। उससे पहले पृथ्वीराज चौहान की वो आंखें फोड़ चुके थे गर्म गर्म लोहे की सलाखों से, यानी कि कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास उस वक्त आंखें नहीं थी, लेकिन चंद्रबरदाई के पास आंखें थी। तो एक मैदान में दोनों को लाकर खड़ा कर दिया गया और उनके हाथ में धनुष और तीर दिया गया। तो मोहम्मद गौरी ने ऊपर सिंहासन में बैठे हुए कहा, पृथ्वीराज चौहान, हम आपकी वो कला देखना चाहते हैं जिसके लिए आप जाने जाते हैं। तो चंद्रबरदाई एक बहुत ही महान कवि थे, तो उन्होंने पूरा अंदाजा लगाया, आंखों से उस जगह को नाप लिया जहां पर वो खड़े थे और मोहम्मद गौरी यानी कि सुल्तान की बीच की दूरी को। तो उन्होंने एक दोहा का, 4 गज 24 बांस अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो उसको सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर निकाला, तरकस पे चढ़ाया और सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में धसा दिया। तत्पश्चात मोहम्मद गौरी मौत की नींद सो जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई आपस में एक दूसरे को तीर मारकर खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी और के हाथों मारे जाए। तो दोस्तों, हो सकता है कि इतिहास में इन कहानियों के कुछ अलग अलग वर्णन मिलते हैं, जन को लेकर ही अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग साल हैं। तो ये तो भविष्य ही बताएगा कि आने वाली दिवाली पर पृथ्वीराज चौहान जब फिल्म आएगी तो उसमें किस तरीके से और किस चीज़ को दिखाया जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो बेसिक फैक्ट हैं, जिसे आप जानते हैं, हम जानते हैं और जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी और उनके गौरी के साथ जो युद्ध हुए उसको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये आप हमें जरूर बताइएगा। और इस फिल्म को बना रहे हैं यशराज। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज में अब किस एक्टर की एंट्री होने जा रही है, क्या हो सकता है इस फिल्म में इस एक्टर का किरदार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सोनिका और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, पिछले कई टाइम से बॉलीवुड में पीरियड ड्रामा फिल्मों का दौर चल रहा है। लोग इन फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं। अपने वीर योद्धाओं की कहानी बड़े पर्दे पर देखना लोगों को बहुत गर्व महसूस करा रही है और लोग बहुत प्राउडली इन फिल्मों को देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। हाल ही में अजय देवगन तानाजी मालूसरे की कहानी बड़े पर्दे पर लेकर आए थे, जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ कर रख दिया है और कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। तो दोस्तों, पीरियड ड्रामा फिल्मों का दौर चल रहा है और एक और पीरियड ड्रामा फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है और वो फिल्म है अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान। इस फिल्म से जुड़ी काफी खबरें सामने आ चुकी हैं, जैसे कि इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी सहयोगिता की प्रेम कहानी को दिखाया जाएगा।
रानी सहयोगिता का किरदार कर रही हैं 2017 में मिस वर्ल्ड रही मानुषी छिल्लर। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की कहानी को भी बड़े पर्दे पर देखना बहुत गर्व की बात होगी और लोग इस फिल्म का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान ने पूरे 16 बार मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। उसके बाद 17वीं बार जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को अगवा कर लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। उस क्रूर शासक ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी और उन्हें बंदी बनाकर रख दिया। लेकिन इन हालातों में भी बिना आंखों के भी पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। और इसी कहानी को जब हम पर्दे पर देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार हो रहा है। तो दोस्तों ऑलरेडी सहयोगिता का लुक भी आपके सामने आ चुका है और अब बस इंतजार था तो मोहम्मद गौरी के किरदार का। और अब हमारे सामने आ रही है कि एक एक्टर की एंट्री हो गई है इस फिल्म में और उनका नाम है सोनू सूद। सोनू सूद ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि अब वो पृथ्वीराज चौहान की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने किरदार का खुलासा तो नहीं किया लेकिन लग रहा है कि वो मोहम्मद गौरी का किरदार ही करेंगे इस फिल्म में। इससे पहले भी सोनू सूद और अक्षय कुमार की कई फिल्में आपको एंटरटेन कर चुकी हैं। सिंग इज किंग और एंटरटेनमेंट जैसी फिल्मों में आपने इन दोनों की जोड़ी को देखा होगा और सोनू सूद ने भी खुद कहा है कि हमारी मैजिकल जोड़ी एक बार फिर से वही करिश्मा आपके सामने लेकर आएगी। दोस्तों सोनू सूद ऐसे एक्टर हैं जो हर किरदार में फिट बैठते हैं, फिर चाहे वो हीरो का रोल हो, विलन का रोल हो या दोस्त का रोल हो, हर किरदार को वो बखूबी निभाते हैं और पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं हर किरदार में। तो दोस्तों इस फिल्म में आपको अब सोनू सूद भी नजर आएंगे। ये फिल्म दिवाली के मौके पर यानी 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है। फिलहाल के बाद क्या फिलहाल 2 आने वाला है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये गाना पिछले साल रिलीज हुआ, आप सबके जुबा पर चढ़ा था और अब तक इस गाने का सुरूर बरकरार है। इस गाने ने YouTube से लेकर TikTok पर धमाल मचा के रख दिया था और अब तक भी ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है। इस गाने को अब तक 542 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसी के साथ ये पहला गाना बन चुका है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और जिसने कुछ ही समय में 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। इस गाने में अक्षय कुमार और नुपुर सैनन नजर आए थे। इस गाने को बी प्राग ने अपनी आवाज दी थी। ऐसा मानना पड़ेगा बी प्राग की आवाज सबका दिल छू लेती है और इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे एक चीज गौर करने वाली ये भी है कि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों से धमाका तो मचाते ही हैं लेकिन अब म्यूजिक एल्बम की दुनिया में भी उन्होंने एक छाप छोड़ दी है और अब इस गाने को फिर से लाया जा रहा है आपके सामने, यानी फिलहाल 2 रिलीज होने जा रहा है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद अक्षय कुमार ने की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक क्यूट से पिक्चर शेयर की है और कैप्शन दिया है कि द स्टोरी विल कंटिन्यू विद अनदर मेलोडी, यानी कि फिलहाल 2 के साथ आपके सामने उसे स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं फिलहाल की कहानी, थोड़ी सी याद दिला देते हैं। इसमें अक्षय कुमार और नुपुर सैनन की लव स्टोरी दिखाई गई थी। अक्षय कुमार नुपुर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ा और अलग अलग जगहों पर शादी कर ली। लेकिन इनकी मुलाकात फिर से तब होती है जब नुपुर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उस हॉस्पिटल में अक्षय कुमार डॉक्टर होते हैं और जब अक्षय कुमार नुपुर को इस हालत में देखते हैं तो फिर से उन्हें पुराने दिन याद आ जाते हैं और फिर से उसी कहानी में वो खो जाते हैं। वेल, कहानी लोगों के दिलों को इतना छुई और मेकर्स को भी लगा कि ये गाना इतना लोगों को पसंद आ रहा है तो शायद यही वजह है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। दोस्तों इस गाने के लिरिक्स जानी ने लिखे थे और अरविंद खैरा ने इसे डायरेक्ट किया था और अरविंद खैरा ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हर लव स्टोरी को एक दूसरा चांस मिलना चाहिए, यानी कि फिलहाल पार्ट 2 में इस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा। दोस्तों बात करें नुपुर सैनन की तो वो बेहतरीन अदाकारा तो है ही, साथ में एक बहुत ही अच्छी सिंगर है। उनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है ट्विन स्ट्रिंग नाम का, इस चैनल में आप उनके कई सॉन्ग सुन सकते हैं। वहीं अक्षय कुमार की बात करें तो इस साल वो कई फिल्मों के साथ आपके सामने आएंगे, उनमें से सूर्यवंशी, लक्ष्मी बॉम्ब, बेल बॉटम, बच्चन पांडे शामिल है। सुपरस्टार सलमान खान को अक्षय कुमार क्यों चैलेंज कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक तरफ हैं सलमान खान जो फिलहाल अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में बिजी हैं
और दूसरी ही ओर वो अपनी मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार, जिनकी हाउसफुल 4 ऑलरेडी धमाल मचा चुकी है और आने वाली फिल्म गुड न्यूज सलमान खान के बर्थडे यानी 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। लगता है इस बार अक्षय कुमार ने सलमान खान को ओपन चैलेंज करने का मन बना लिया है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स की गरारी एक ही जगह पर अटक गई है अपनी अगली फिल्म की रिलीज डेट पर। क्योंकि अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम और सलमान खान की राधे ईद 2020 पर रिलीज जो होने वाली है। दरअसल हुआ ये कि सबसे पहले ईद 2020 पर अक्षय कुमार की रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होनी थी। इसके बाद सलमान खान ने संजय लीला भंसाली के साथ इंशाअल्लाह भी उसी डेट पर अनाउंस कर दी। इसके बाद क्या था, रोहित शेट्टी और सलमान खान ने आपस में बात करके सूर्यवंशी की रिलीज डेट 27 मार्च 2020 कर दी। लेकिन इसी बीच सलमान खान और भंसाली की इंशाअल्लाह ठंडे बस्ते में चली गई और अक्षय कुमार तो शायद इसी फिराक में खड़े थे कि ये खबर सुनते ही उन्होंने अपनी फिल्म लक्ष्मी बम ईद 2020 पर अनाउंस कर दी। अब अक्षय कुमार ने अनाउंसमेंट की है तो सलमान खान कैसे पीछे रह जाते। उन्होंने भी कुछ मिनट बाद ही ये ट्वीट करके बता दिया कि उनकी भी कोई ना कोई फिल्म तो ईद 2020 पर रिलीज होगी ही, और अब ईद 2020 पर रिलीज होने वाली है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। अब बात यह है कि दोनों ही फिल्में ईद 2020 पर थिएटर्स में उतरने के लिए तैयार है, यानी कि ईद पर हमें धमाकेदार क्लैश देखने को मिलेगा। वैसे इस क्लैश के बारे में अक्षय कुमार से भी पूछा गया तो इस पर अक्षय कुमार का कहना था, पहले मैं आया हूँ लेकिन कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ईद का दिन है, दो फिल्में आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती साथ में। वेल दोस्तों, सलमान खान और अक्षय कुमार ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, आपस में ठीक ठाक रेपो भी शेयर करते हैं, लेकिन अपनी अगली फिल्म के चक्कर में दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। इस बात की संभावना तो बहुत कम है कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो, क्योंकि भाईजान की ईद पर किसी और स्टार की फिल्म रिलीज होना आज तक पॉसिबल ही नहीं हो पाया। लेकिन ये बात कहकर अक्षय कुमार ने भी अपने इरादे तो जाहिर कर ही दिए हैं कि वो इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। तो इस बार का ईद 2020 का क्लैश क्या धमाका करता है, ये देखना वाकई एक्साइटिंग रहेगा। फिर आपको क्या लगता है, कौन पढ़ने वाला है किस पर राधे वर्सेस लक्ष्मी बम, किसकी होगी जीत? दोनों फिल्मों के क्लैश के बारे में स्टार्स का क्या कहना है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हर साल ईद पर सलमान खान की कोई ना कोई मूवी आ जाती है। इस साल भी मई में एक फिल्म आ रही है, नाम है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। लेकिन बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि ईद के मौके पर अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम भी आ रही है, यानी 2020 की उम्मीद पर सलमान और अक्षय कुमार की फिल्मों में क्लैश होने के पूरे चांसेस हैं। पहले कहा जा रहा था कि दोनों सुपरस्टार में से कोई एक अपनी फिल्म की रिलीज आगे या पीछे सरका सकता है, लेकिन हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने फिल्म क्लैश को लेकर जो कहा, उसके बाद दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी। सलमान ने कहा, ईद के मौके पर 2-3 और फिल्मों के रिलीज होने का स्कोप होता है, तब ऑडियंस तय करे कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है। अगर पिक्चर अच्छी लगी तो देखेंगे, अगर नहीं पसंद आई तो नहीं देखेंगे। त्योहार वाले डेट हो या कोई और डेट, वो तारीख किसी की नहीं है, कोई भी अपनी फिल्म उस दिन रिलीज कर सकता है। बात बस ये है कि मेरी फिल्में किसी तरह से ईद पर आ जाती हैं। एक्चुअली मेरी लास्ट फिल्म भारत रमजान में ईद से 3 दिन पहले रिलीज हुई थी, और अब दबंग 3 क्रिसमस पर आई थी। मेरी फिल्में दिवाली और 26 जनवरी के मौके पर भी रिलीज हुई हैं। त्योहार का कोई भी दिन अच्छा ही होता है। इससे पहले अक्षय कुमार से भी लक्ष्मी बॉम्ब और राधे के एक ही दिन रिलीज होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहले मैं आया हूँ लेकिन कोई भी आ सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ईद का दिन है, दो फिल्में आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती साथ में। रिलीज डेट के क्लैश का ये मामला थोड़ा पेचीदा है। दरअसल ईद 2020 पर सबसे पहले अक्षय कुमार की रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी रिलीज होनी थी।
इसके बाद सलमान ने संजय लीला भंसाली के साथ इंशाअल्लाह भी उसी डेट पर अनाउंस कर दी। इसके बाद रोहित और सलमान ने बात करके सूर्यवंशी की रिलीज डेट 27 मार्च 2020 कर दी। फिर सलमान ने भंसाली की इंशाअल्लाह छोड़ दी और फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इस फिल्म के नहीं बनने की बात सुनते ही अक्षय ने ईद 2020 पर लक्ष्मी बॉम्ब अनाउंस कर दी। उसके कुछ मिनट बाद सलमान ने ट्वीट करके बताया कि उनकी भी कोई ना कोई पिक्चर तो ईद 2020 पर आएगी और वो फिल्म बनी राधे। अब बात यह है कि दोनों ही फिल्में ईद 2020 में थिएटर में उतरने को तैयार है। दोनों स्टार्स ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो मुश्किल ही है कि कोई अपनी रिलीज डेट बदलेगा, लेकिन दर्शकों के लिए तो अच्छा ही है, उनके पास ज्यादा ऑप्शन होंगे और वो अपने टेस्ट के मुताबिक फिल्में चूज कर सकते हैं, क्योंकि सलमान खान की राधे एक मसाला मूवी है। इसमें सलमान खान एक्शन करते नजर आएंगे, वहीं अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब में वो किन्नर का रोल कर रहे हैं। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी आखिर बुर्ज खलीफा क्यों जा पहुंचे हैं और बॉलीवुड की वो कौन सी सेलिब्रिटी है जिसके हस्बैंड ने उसे बुर्ज खलीफा में फ्लैट गिफ्ट किया था। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय आजकल खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनके एक एड निर्मा के लिए उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अक्षय के फैंस को तो उनकी फिल्मों का इंतजार है। इस साल अक्षय की सूर्यवंशी और लक्ष्मी बॉम्ब का सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अगर लक्ष्मी बॉम्ब की बात करें तो पिछले साल उनका एक पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें अक्षय कुमार काफी डरावने लुक में नजर आ रहे थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर भूत का किरदार करने वाले हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर उनके सामने आई है, वो भी बुर्ज खलीफा से। दरअसल कियारा और अक्षय अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के एक गाने के लिए बुर्ज खलीफा पहुंचे हैं। इस गाने का नाम भी बुर्ज खलीफा ही है। इस गाने के जो लुक सामने आया है उसमें अक्षय कुमार ने ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ है और गोल्डन कलर की चेन कैरी की हुई है। वहीं कियारा आडवाणी भी व्हाइट नियॉन टॉप में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये गाना एक डांसिंग नंबर होने वाला है और अक्षय और कियारा 100 से भी ज्यादा डांसर्स के साथ इस गाने में नजर आएंगे। इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं गणेश आचार्य। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 2716 फीट है और ये आईफिल टावर से लगभग 3 गुना ऊंची इमारत है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऊंची इमारत में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का फ्लैट भी है। जी हाँ दोस्तों, वो सेलिब्रिटी और कोई नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी है। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी के चेहरे की चमक सिर्फ योगा से नहीं बल्कि उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ की वजह से भी है। राज कुंद्रा उन्हें वक्त वक्त पर सरप्राइज देते ही रहते हैं और उनकी मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने बुर्ज खलीफा की 19वीं मंजिल पर उन्हें एक फ्लैट गिफ्ट किया था। दोस्तों, राज कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी को लंबोगिनी कार भी गिफ्ट की थी। उस वक्त शिल्पा सुर्खियों में आ गई थी क्योंकि वो उस वक्त एकमात्र भारतीय महिला थी जिनके पास इस कार का एडिशन मौजूद था। खैर, शिल्पा शेट्टी भी ये बात मानती है कि वो बहुत खुशनसीब है कि उन्हें राज कुंद्रा जैसे केयरिंग हस्बैंड मिले। आजकल ये दोनों ही कपल लंदन में अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बॉम्ब में अपने किरदार से जुड़ा कौन सा खुलासा कर दिया है और बॉलीवुड में वो कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने किन्नर बनके हीरो हीरोइन से ज्यादा वाहवाही लूटी है। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, नए साल में अक्षय कुमार बैक टू बैक अपनी धाकड़ फिल्में लेकर तैयार है, लेकिन उनका सबसे दिलचस्प किरदार होने वाला है लक्ष्मी बॉम्ब में। इस फिल्म में वो ट्रांसजेंडर का किरदार निभा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा जब अक्षय कुमार किसी फिल्म में भूत बने हैं, वो भी ट्रांसजेंडर। अक्षय अलग तरह की भूमिका के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार हैं और ये अनुभव उनके लिए सबसे ज्यादा यादगार रहा है। इस फिल्म का पहला लुक भी सामने आ गया है जिसमें अक्षय काफी डरावने नजर आ रहे थे। मिड डे से बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने अपने इस लुक के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनका साड़ी पहनने का अनुभव कैसा रहा। अक्षय ने कहा कि मैं साड़ी में सहज हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ट्रिकी स्टफ करना पसंद है। मैंने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा मुश्किल किरदार रहा है। मुझे किरदार के अंदर घुसना था और उसका बॉडी लैंग्वेज ठीक करना था। आपको बता दें, फैंस भी इसे लेकर बेहद एक्साइटेड हैं।
कि अक्षय इस फिल्म के साथ किस तरह का बॉम्ब फेंकने को तैयार है। इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म में माधवन भी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों में हीरो हीरोइनों का तो बोलबाला रहता ही है, लेकिन वहाँ जब कोई एक खास तरीके का किरदार आ जाता है तो लोगों की नजर उससे हटती ही नहीं है। ये तीसरा किरदार और कोई नहीं बल्कि तीसरा लिंग यानी किन्नर है। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें हीरो हीरोइन से ज्यादा किन्नर को तवज्जो दी गई है। लोगों ने इनके किरदारों को काफी पसंद भी किया है। इन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ी है कि लोग आज भी इनके किरदारों को याद करते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं बॉलीवुड में किन्नर का रोल करने वाले एक्टर्स के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम है रवि किशन का। दोस्तों, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने फिल्म रज्जो में एक ट्रांसजेंडर का बहुत अहम रोल निभाया था। सभी ने उनको इस किरदार के लिए बहुत पसंद किया था। फिल्म में हीरो से ज्यादा रवि किशन के इस लुक की तारीफ की गई थी। महेश मांजरेकर ने भी रज्जो में किन्नर की भूमिका निभाई थी। शुरुआत में कुछ लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया, लेकिन बाद में उनकी एक्टिंग काफी पसंद की गई। आशुतोष राणा जबरदस्त एक्टर हैं। जब वो विलन का रोल करते हैं तो अच्छे अच्छे थर्राने लगते हैं। फिल्मों में वो अपनी एक्टिंग की मिसाल पेश करते हैं। एक्टिंग में आशुतोष किसी भी तरह का रिस्क लेने से नहीं चूकते। शबनम मौसी फिल्म में उन्होंने किन्नर का रोल निभाया था जिसको बहुत सराहा गया था। इसके अलावा बॉलीवुड में सिक्का जमा चुके राजकुमार राव की गिनती भी मंझे हुए एक्टर्स में से होती है। राजकुमार राव ने भी बड़े पर्दे पर किन्नर का रोल अदा किया है। बंगाली फिल्म एमी सायरा बानो में किन्नर का रोल प्ले कर उन्होंने इस किरदार में जान डाल दी थी। और इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होता है और वो है बॉलीवुड के बाबू भैया यानी परेश रावल का। परेश रावल ने भी फिल्म तमन्ना में किन्नर का किरदार बखूबी निभाया था और वो इसको लेकर बेहद एक्साइटेड थे। फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया था। तो दोस्तों, आपको अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब का कितना इंतजार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी कैसे बन गई 2020 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। एक्टर रणवीर सिंह और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी 2020 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी बन गई है। जी हाँ, IMDB ने 2020 की सबसे प्रत्याशित भारतीय फिल्मों की अपनी सूची को जारी किया। ये सूची IMDB प्रो डेटा द्वारा निर्धारित की गई है, जो वेबसाइट पर 200 मिलियन से अधिक विजिटर्स के आधार पर है और जिसके चलते अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म में जहां सिम्बा और सिंघम भी अपना तड़का लगाने आ रहे हैं, तो अक्षय कुमार को फिर से एक कॉप वाले अवतार में देखने के लिए फैंस भी बेचैन हुए जा रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 दूसरे पायदान पर है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही इस सुपर हीरो एडवेंचर फिल्म में अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की अहम भूमिका देखने को मिलेगी और ये फिल्म 4 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज की जाएगी। वहीं इस फिल्म में नागार्जुन और मौनी रॉय भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। अजय देवगन की बात करें तो उनकी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर इस सूची में तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, इसके बाद आती है रणवीर सिंह स्टारर 83, जिसके बाद रैम्बो, KGF चैप्टर 2, स्ट्रीट डांसर 3D, बागी 3, इंडियन 2 और छपाक टॉप 10 में है। वहीं फिल्म सूर्यवंशी का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। ये पहली बार है जब अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह एक साथ एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा तीनों को एक साथ पुलिस के अंदाज में देखना भी वाकई एक्साइटिंग रहेगा। वहीं अजय देवगन की हाल ही में फिल्म तानाजी रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार भी किया और बाकी रिलीज सभी फिल्मों को धूल चटा दी। एक तरफ तो इस फिल्म में हमारे सिंघम यानी अजय देवगन तानाजी मालुसरे बने नजर आए, तो दूसरी ओर सैफ अली खान ने विलन की भूमिका निभाकर उसमें 4 चांद लगाए। तो वहीं काजोल इसमें अजय देवगन की पत्नी की भूमिका में नजर आई थी और इस फिल्म ने अपने रिलीज के 5वें हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। तो दोस्तों, जहां सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुकी है यानी कि लोगों को फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं,
तो ऐसे में ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेल, आपको क्या लगता है ये फिल्म क्या रिकॉर्ड्स बना के जाएगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। रोहित सेट्टी की सूर बंसी में क्यों एंट्री होने जा रही है ऋतिक रोशन की? क्या एवेंजर्स इन्फिनिटी वार को पीछे छोड़ देंगे रोहित सेट्टी? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सिंघम, सिम्हा और सूर्यवंशी की तिगड़ी में सुपर 30 में आनंद का शानदार किरदार निभाने वाले ऋतिक रोशन को भी बतौर एक पुलिस अफसर रोहित सेट्टी लाने वाले। ऋतिक ने हाल ही में मुंबई पुलिस के सालाना जलसे उमंग में एक पुलिस अफसर का किरदार करने की मंशा जाहिर की थी और गुरुवार सुबह से मुंबई में मची हलचल इसी के आगे की कहानी। ऋतिक रोशन की कद काठी के हिसाब से वो वर्दी वाले किरदारों के लिए बहुत ही मुफीद रहते हैं। फिल्म लक्ष्य में फौजी बनकर वो ये दिखा भी चुके हैं। इसके अलावा पिछले साल रिलीज हुई फिल्म वार में भी वो एक खुफिया एजेंट के तौर पर दिखे। पिछले साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म वार के अलावा ऋतिक रोशन की पिछले साल की रिलीज हुई फिल्म सुपर 30 ने भी काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। किसी पुलिस अफसर का किरदार करने के लिए सबसे पहले ऋतिक रोशन के नाम की चर्चा शुरू हुई निर्माता निर्देशक नीरज पांडे के फिल्म विक्रम वेदा के लिए। तमिल की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेदा की इस हिंदी रिमेक में ऋतिक का नाम उस किरदार के लिए सामने आया जिसे मूल रूप में दमदार अभिनेता आर माधवन ने निभाया था। फिल्म में विजय सेतुपति वाला किरदार करने के लिए आमिर खान के हाँ कर देने की बात पहले ही नीरज पांडे बता चुके हैं। पुलिस की वर्दी पहनने के लिए मचल रहे ऋतिक को रोहित सेट्टी के कॉप यूनिवर्स में उनके फैंस भी देखना चाहते हैं। गुरुवार की सुबह मुंबई में फैली खबर इन्हीं भावनाओं के ज्वार पर तैरी। कहा गया कि रोहित अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी में ऋतिक रोशन को वैसे ही सामने लाएंगे जैसे फिल्म सिम्हा में वो अक्षय कुमार को लाए थे। इस बार सूर्यवंशी के साथ पर्दे पर सिम्हा और सिंघम दोनों दिखने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस खबर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लेकिन ऋतिक के दरवाजे उन निर्देशकों के लिए अभी भी खुले हैं जिनके पास उनके लिए एक दमदार कहानी हो। फिल्म सूर्यवंशी में किस नए पुलिस वाले की एंट्री? सरप्राइज अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा क्यों कहा रोहित शेट्टी ने। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। 1 फरवरी वाला दिन, इस दिन जैकी श्रॉफ का बर्थडे होता है और इस दिन वो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उनको सरप्राइज गिफ्ट देते हुए रोहित शेट्टी ने एक इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है और उस फोटो में लिखा है कि हमारे साथ एक और नया पुलिस वाला जुड़ने जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा, जब जब आपको लगता है कि आप हमारे कॉप यूनिवर्स के बारे में जानते हैं तब मैं आपके सामने एक और सरप्राइज लाकर खड़ा कर देता हूं। तो उसी लिस्ट में शामिल है जैकी दादा। जैकी दादा फिल्म सूर्यवंशी में दिखाई देंगे अक्षय कुमार के साथ और कैटरीना कैफ के साथ, और संभवत है कि इस फिल्म में उनका रोल पुलिस वाला ही होगा। वैसे जैकी श्रॉफ ने फिल्म राम लखन और भी कई फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार निभाया है और उनका वो किरदार काफी सराहनीय रहा है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया है। तो वहीं बात करते हैं सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी में ये फिल्म सिम्बा के टाइम से ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी, यानी कि पिछले साल। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इस फिल्म में डॉक्टर की भूमिका में दिखाई देंगी और वही अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का लव इंटरेस्ट भी होगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पुलिस कॉप्स भी दिखाई देंगे, यानी कि रोहित शेट्टी के कॉप्स। इसमें सबसे पहले अजय देवगन है, फिर उनके बाद हैं रणवीर सिंह और उसके बाद दिखाई देंगे यानी कि इस फिल्म के मेन लीड एक्टर अक्षय कुमार, और इन सबसे बढ़कर इन लोगों के सीनियर जैकी दादा भी इसमें होंगे। और वही बात करें जैकी श्रॉफ की, तो जैकी श्रॉफ यानी कि उनकी बेटे की आने वाली फिल्म बागी 3 में भी दिखाई देंगे। हालांकि उस फिल्म में उनका एक कैमियो रोल होगा, लेकिन यह पहली बार होगा कि जब बाप बेटे एक ही पर्दे पर दिखाएंगे एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए। सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स के लिए रोहित शेट्टी ने ऐसा क्या किया कि हो गया धमाका? और किन अपकमिंग फिल्म से करेंगे अक्षय कुमार धमाल? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रमोशन के साथ अक्षय कुमार इन दिनों अपनी एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही सूर्यवंशी की। अक्षय ने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर दी है और इसके लिए अक्षय हैदराबाद पहुंचे। इसके बाद से फिल्म के सेट से क्लाइमेक्स की एक तस्वीर सामने आई है।
ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ने शेयर की है। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई देगी। करण जौहर बतौर निर्माता फिल्म के लिए किसी भी तरह की कसर बकाया नहीं रखना चाहते, तभी तो अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो भी सूर्यवंशी के लिए प्लान किया गया है। बता दें कि कैटरीना कैफ ने क्लाइमैक्स सीन की जो तस्वीर शेयर की है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्लाइमैक्स के लिए सिंघम और सिम्बा दोनों ही मिलेंगे सूर्यवंशी के साथ और करेंगे बड़ा धमाका फिल्म में। दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था पहले से ही, और अब ये खबर सामने आने के बाद से तो अक्षय कुमार के फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हो चुके हैं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार ने साल 2020 में अपनी फिल्मों की लंबी फेहरिस्त से पूरा कब्जा कर लिया है। 22 मई यानी कि ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब के साथ आंखों में काजल लगाकर किन्नर की भूमिका निभाएंगे अक्षय कुमार। फिल्म के पोस्टर ने पहले से ही सुपरहिट कैटेगरी में जगह बना ली है। किन्नर भूत और उसके बदले की कहानी पहले कांचना 2 में दिखाई जा चुकी है और इसी का हिंदी रिमेक है लक्ष्मी बॉम्ब। कियारा अरवानी इसमें अक्षय के ऑपोजिट दिखाई देंगी। कंटेंट और किरदार के लिहाज से कांचना 2 को पहले से भी बहुत पसंद किया जा चुका है। अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन के दिन ये ऐलान किया था कि वो दिवाली पर पृथ्वीराज की कहानी लेकर आ रहे हैं। अक्षय कुमार की ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म होगी। राजा पृथ्वीराज की कहानी काफी दिलचस्प होगी क्योंकि 13 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अजमेर की गद्दी संभाली। बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने बिना हथियार के अपनी बहादुरी से शेर मार डाला था। संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी फिल्म में दिखाई जाएगी। क्रिसमस 2020 पर बच्चन पांडे की एक्शन कॉमेडी फिल्म के साथ अक्षय कुमार आ रहे हैं और ये तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रिमेक है, जहां चार भाई मिलकर अपने बड़े भाई की शादी करवाते हैं ताकि वो भी शादी कर सके। हिंसा करना इनके परिवार के लिए आम है। रोमांस, एक्शन और कॉमेडी से ये फिल्म भरपूर होगी और इसका लुक पहले ही काफी पसंद किया जा चुका है। रोहित शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी होली के करीब रिलीज होने की संभावना है। अक्षय एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी की भूमिका में होंगे, जहां पर अक्षय फिर से एक्शन करते हुए दिखेंगे। सिम्बा के बाद इसे फिर से रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म माना जा रहा है, ये होली पर रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार 15 अगस्त 2020 को भी कोई फिल्म के साथ सिनेमाघर में दिखाई दे सकते हैं। मिशन मंगल के साथ रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा और गोल्ड अक्षय की 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्में हैं। हर साल अक्षय 15 अगस्त के समय कोई ना कोई देश से जुड़ी कहानी लेकर आ ही जाते हैं। 15 अगस्त 2020 पर भी यही उम्मीद की जा रही है। दोस्तों अक्षय कुमार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। रोहित शेट्टी ऋतिक रोशन की कौन सी ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं और सत्ते पे सत्ता के रीमेक में शक्ति कपूर अपने किरदार में किसे देखना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों डायरेक्टर रोहित शेट्टी काफी वजहों से आजकल सुर्खियों में है। उनका शो खतरों के खिलाड़ी का अगला सीजन आने वाला है जिसके लिए फैंस में अच्छी खासी क्रेज है और जिसके लिए एक्साइटेड रहते हैं हमेशा फैंस, कि इस सीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके अलावा वो अपने फिल्मों को लेकर चर्चा में रहते हैं और इस साल भी उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं, लेकिन इस वक्त जिस फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है उनकी कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म यानी कि सूर्यवंशी। दोस्तों जब सूर्यवंशी का इशारा किया गया था सिम्बा में, सिम्बा फिल्म जब आई थी उसमें अक्षय कुमार के रोल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब खबरें आ रही है कि सूर्यवंशी में ऐसा ही कुछ हो सकता है। इससे पहले अजय देवगन ने ये अनाउंस किया था कि सूर्यवंशी में सिंघम 3 का इशारा आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि सिंघम 3 कब आ रही है, लेकिन अब एक और खबर आ रही है जिससे पता चलता है कि ऋतिक रोशन भी आपको सूर्यवंशी में नजर आ सकते हैं और अपनी अगली कॉप यूनिवर्स की फिल्म में
रोहित शेट्टी ऋतिक रोशन को कास्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ऋतिक रोशन की ही एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने बताया था कि उन्होंने हर किरदार किए हैं लेकिन कभी किसी सुपर कॉप का किरदार नहीं किया। वो भी एक ऑफिसर की भूमिका करना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर की, और अगर कोई डायरेक्टर उनके लिए किरदार लिख देगा तो वो ज़रूर वो फिल्म करेंगे। तो अब हो सकता है कि रोहित शेट्टी जल्द से जल्द ऋतिक रोशन के लिए अपनी अगली कॉप फिल्म बनाएं। वेल दोस्तों, ऋतिक रोशन का नाम रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सत्य पे सत्ता के साथ भी जुड़ रहा है। सत्य पे सत्ता का रीमेक बनने जा रहा है, जो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और इसमें सात भाइयों की कहानी थी। इसमें हेमा मालिनी भी आपको नजर आई थी। पहले अमिताभ बच्चन वाले रोल के लिए शाहरुख खान को कास्ट करने की खबरें थी, लेकिन इसके बाद ऋतिक रोशन का नाम आने लगा। और हेमा मालिनी की अगर हम बात करें तो उनके किरदार के लिए अनुष्का शर्मा और सारा अली खान का नाम हमेशा से आता रहा है। तो हो सकता है कि सत्य पे सत्ता के जो रीमेक है उसमें ऋतिक रोशन और सारा अली खान साथ नजर आए। वेल दोस्तों, इस फिल्म में शक्ति कपूर भी थे, जिनका बहुत ही अच्छा किरदार देखने को मिला था और इनके किरदार की काफ़ी तारीफ की गई थी। और अब शक्ति कपूर चाहते हैं कि जब इसका रीमेक बने, यानी सत्य पे सत्ता का रीमेक बने, तो उनके बेटे सिद्धांत कपूर उनका रोल करें। उनकी ये दिली ख्वाहिश है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बारे में उन्होंने फराह खान से बात की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने फराह खान से इस बारे में बात की है, और अगर फराह खान को लगेगा कि सिद्धांत इस रोल के लिए बैठते हैं तो वो जरूर सिद्धांत कपूर को इस रोल के लिए कास्ट करेंगे। ये सारा डिपेंड करता है फराह खान पे। रोहित शेट्टी ने भी सत्य पे सत्ता की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फराह भी इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम कर रही है। तो फिलहाल तो रोहित शेट्टी सिंगम 3 की तैयारी करेंगे अपनी फिल्म सूर्यवंशी के बाद। उसी के बाद वो सत्य पे सत्ता के रीमेक में काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि सत्य पे सत्ता का आपको कितना इंतजार है और ऋतिक रोशन को सुपर कॉप की भूमिका में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपनी राय। किस टुटके के चलते अक्षय कुमार ने बदली सूर्यवंशी के ट्रेलर की रिलीज डेट? अक्षय कुमार के पास हिट फिल्म देने का कौन सा फार्मूला है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सिनेमा जगत में ऐसे ढेरों कलाकार हैं जो फिल्म की सफलता के लिए तरह तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी के ट्रेलर लॉन्च की तारीख को लेकर भी सामने आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर पहले 27 फरवरी 2020 को लॉन्च होना था, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव करते हुए 2 मार्च 2020 कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस तारीख पर बनने वाले अंकों का जोड़ 9 है, जो कि अक्षय के लिए लकी है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र के अनुसार अक्षय कुमार का लकी नंबर 9 है और 2 मार्च 2020 का जोड़ भी 9 है। इस वजह से वो इस ट्रेलर को इसी दिन रिलीज करना चाहते हैं। यहाँ तक कि 27 फरवरी को भी इसी वजह से ट्रेलर रिलीज के लिए चुना गया था। वही ये फिल्म 27 मार्च को रिलीज हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्षय की फिल्म गुड न्यूज 27 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसका ट्रेलर 18 नवंबर को आया था। वहीं मिशन मंगल का ट्रेलर भी 18 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इन सभी तारीखों का जोड़ 9 होता है, इसलिए वो अपने इस लकी समीकरण को बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि जब भी कोई खास मौके पर फिल्म रिलीज का मौका मिलता है तो वो उस मौके को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। अभी ट्रेलर लॉन्च की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गौरतलब है कि सूर्यवंशी का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है। रोहित की कॉप फ्रेंचाइजी की यह चौथी फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम कर रहे हैं। इस एक्शन ड्रामा फिल्म में सिंघम स्टार अजय देवगन और सिम्बा स्टार रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। दोनों फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में दिख सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर सामने आने के बाद से ही अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ इसके प्रमोशन में बेस्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए सूर्यवंशी फिल्म महा एक्शन फिल्म क्यों है और क्या इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में आपको शॉर्टलेस सीन नजर आने वाला है। नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियो में। खैर, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी फिल्म की। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म आजकल बहुत चर्चाओं में चल रही है। वो क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि सिंघम और सिम्बा पहले आ चुकी है और अब ये फिल्म लेकर रोहित शेट्टी आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। कॉप फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म में आपको
अक्षय कुमार सूर्यवंशी के किरदार में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि अक्षय कुमार के साथ बिग सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करती हुई नजर आने वाली हैं कैटरीना कैफ। जी हाँ, कैटरीना और अक्षय कुमार की यह जोड़ी 10 साल बाद एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर आपको देखने के लिए मिलेगी। खैर, हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान रोहित शेट्टी ने फिल्म को लेकर कुछ बातचीत की है, तो चलिए आपको बताते हैं कि फिल्म में आपको खास क्या देखने के लिए मिलने वाला है। रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये जो फिल्म है इसकी स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट, नई और फ्रेशनेस के साथ आपके सामने आने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब ऑडियंस थिएटर के अंदर जाती है और जो सोच अपने साथ लेके जाती है कि फिल्म में एक नई कहानी होगी, कॉमेडी होगी, इमोशनल ड्रामा होगा, तो ये फिल्म बिल्कुल ही वैसी होने वाली है और ये दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। भाई, इस इंटरव्यू में रोहित ने ये तो क्लियर कर दिया है कि ये जो फिल्म वो आपके सामने लेके आने वाले हैं वो बहुत ही धमाकेदार रहेगी और आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, फिल्म के सेट से अक्सर फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होते रहते हैं। हाल ही में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें कैटरीना कैफ सेट पर झाड़ू लगाती हुई नजर आई थी, तो वहीं एक फैन ने अपने फैन पेज पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का सॉन्ग शूटिंग के दौरान का हुआ एक वायरल वीडियो भी सामने आया था। खैर, आप इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सूर्यवंशी फिल्म से किसको किया बाहर और किस एक्ट्रेस ने कहा कि उनको फिल्म में ना लेने पर रोहित शेट्टी को हर जाना भरना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस नीना गुप्ता को अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी से हटा दिया गया है क्योंकि फिल्म के ट्रैक में उनका रोल फिट नहीं बैठ रहा था। कहा जा रहा है कि फिल्म से पत्ता काटे जाने से नीना गुप्ता काफी दुखी हैं और उन्होंने कहा कि अब रोहित अगली फिल्म के जरिए इसका हर्जाना भरेंगे। वेल, अब खुद नीना गुप्ता ने इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने इस फिल्म के लिए 3 दिन तक का शूट भी किया और फिर उन्हें बताया गया कि उनका रोल फिल्म से हटाया जा रहा है। इस बारे में बात करते हुए नीना गुप्ता ने कहा कि मेरा रोल सूर्यवंशी से इसलिए काटा गया क्योंकि मेरा ट्रैक फिल्म के लिए सही नहीं बैठ रहा था। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें इससे बुरा लगा तो नीना ने कहा, नहीं, बल्कि ये तो हमेशा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैक फिल्म के लिए बिल्कुल भी सही नहीं बैठता, लेकिन कोई बात नहीं। नीना गुप्ता ने आगे कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरा ट्रैक फिल्म की कहानी में क्यों फिट नहीं बैठा। मैंने फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं। आपको इस बारे में मेकर से पूछना चाहिए। हालांकि नीना गुप्ता को इस बात का पूरा विश्वास है कि रोहित शेट्टी अपनी अगली किसी फिल्म में उन्हें कोई ऐसा रोल जरूर देंगे जो उन पर फिट बैठता होगा। वेल, नीना की अन्य फिल्मों की बात करें तो वो कंगना रनौत स्टारर पंगा और आयुष्मान खुराना के साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान में नजर आने वाली है। इससे पहले वो आयुष्मान के साथ बधाई हो में नजर आई थी और उस फिल्म में वो आयुष्मान की मां के किरदार में दिखी थी, जिसके बाद उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफें हुई और यही वजह है कि वो बॉलीवुड में आजकल काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी में क्या होगी प्रभास की एंट्री? शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को जब चोट लगी तो कैसे किया अक्षय कुमार ने रिएक्ट? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, सूर्यवंशी एक कॉप ड्रामा फिल्म है, तो हाउसफुल 4 के बाद अब अक्षय कुमार सूर्यवंशी की शूटिंग में लग चुके हैं। अब जहां पर फिल्म में रोहित शेट्टी है, रोहित शेट्टी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और रोहित शेट्टी के साथ हो गए अक्षय कुमार, तो फिल्म में जबरदस्त एक्शन तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को लग गई चोट, उनके लेफ्ट हैंड में कोहनी और शोल्डर की तरफ उनको चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद अक्षय कुमार को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने के बाद अक्षय कुमार ने फिर से शूटिंग चालू कर दी, क्योंकि अपने खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं भैया, वो अपना काम करके ही छोड़ते हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे ज़मीन आसमान एक करना पड़ जाए। और वो जाहिर सी बात है भैया, जहाँ पर साल में 4-4 फिल्में बना देते हैं तो फिर अक्षय कुमार को रोकना
नामुमकिन है। अब जहां पर शूटिंग चालू हो चुकी है, अब ये आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो भी वायरल हुई थी, अक्षय कुमार ने अपलोड की थी, तो उनमें उस वीडियो के अंदर अक्षय कुमार के लेफ्ट हैंड में चोट लगी हुई दिख रही है, तो उससे ये प्रूफ होता है कि अक्षय कुमार को शूटिंग के दौरान चोट लगी और शूटिंग जारी है अभी। उन्हें एक महीने के अंदर जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है कि यार मेरे को एक महीने में ख़त्म करना है, तो वो तो अपना काम करके ही रहेंगे। आपको बता दें जहाँ पर फिल्म तेलुगु और तमिल में भी रिलीज होगी, तो वहीं पर खबर यह है कि फिल्म में प्रभास की भी एंट्री हो सकती है, यानी कि रोहित शेट्टी अभी प्रभास से बात कर रहे हैं फिल्म में एक्ट करने के लिए अक्षय कुमार के साथ। और जहां पर अक्षय कुमार होंगे, प्रभास होंगे, उसके साथ ही अजय देवगन भी होंगे यानी कि सिंघम, और फिर होंगे रणवीर सिंह यानी कि सिम्बा। जहां पर ये चार चार हीरो हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी धमाकेदार। सूर्यवंशी का ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म सूर्यवंशी 2020 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। कोई शक नहीं है कि फैंस भी इस फिल्म की झलक के लिए बेकरार है। सिंघम और सिम्बा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आगे बढ़ेगी। आपको बता दें फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की ये अगली फिल्म होगी। इस फिल्म के साथ अक्षय कैटरीना की जोड़ी भी लंबे समय बाद साथ दिख रही है और फिल्म में कैटरीना भी एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आएंगी। आपको बता दें पहले फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज हो रही थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म राधे से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी ने इसकी रिलीज डेट खिसका दी। पहले बताया जा रहा था कि ये तमिल फिल्म दीरन अधिगरम ओंदरु की हिंदी रीमेक है, लेकिन रोहित शेट्टी ने इस बात से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। फिल्म में मुख्य विलन बने हैं गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बस ट्रेलर के लिए भी आपको कुछ ही दिन इंतजार करना है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 27 मार्च को रिलीज होगी और इसी से ठीक एक महीने पहले यानी 27 फरवरी को रिलीज होगा फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर। रिपोर्ट्स की मारे तो क्योंकि अक्षय कुमार का लकी नंबर है 9, इसीलिए 27 को सेलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि 27 में 7+2 होता है 9, इसीलिए इस फिल्म का ट्रेलर आएगा 27 फरवरी को। तो आपको इस फिल्म के ट्रेलर का कितना इंतजार है और इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स के लिए रोहित शेट्टी ने ऐसा क्या किया कि हो गया धमाका? और किन अपकमिंग फिल्म से करेंगे अक्षय कुमार धमाल? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के प्रमोशन के साथ अक्षय कुमार इन दिनों अपनी एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यहां बात हो रही है रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही सूर्यवंशी की। अक्षय ने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर दी है और इसके लिए अक्षय हैदराबाद पहुंचे। इसके बाद से फिल्म के सेट से क्लाइमेक्स की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि कैटरीना कैफ ने शेयर की है। कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर दिखाई देगी। करण जौहर बतौर निर्माता फिल्म के लिए किसी भी तरह की कसर बकाया नहीं रखना चाहते, तभी तो अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो भी सूर्यवंशी के लिए प्लान किया गया है। बता दें कि कैटरीना कैफ ने क्लाइमैक्स सीन की जो तस्वीर शेयर की है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्लाइमैक्स के लिए सिंघम और सिम्बा दोनों ही मिलेंगे सूर्यवंशी के साथ और करेंगे बड़ा धमाका फिल्म में। दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार था पहले से ही, और अब ये खबर सामने आने के बाद से तो अक्षय कुमार के फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हो चुके हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार ने साल 2020 में अपनी फिल्मों की लंबी फेहरिस्त से पूरा कब्जा कर लिया है। 22 मई यानी कि ईद पर लक्ष्मी बॉम्ब के साथ आंखों में काजल लगाकर किन्नर की भूमिका निभाएंगे अक्षय कुमार। फिल्म के पोस्टर ने पहले से ही सुपरहिट कैटेगरी में जगह बना ली है। किन्नर भूत और उसके बदले की कहानी पहले कांचना 2 में दिखाई जा चुकी है और इसी का हिंदी रीमेक है लक्ष्मी बॉम्ब।
कियारा एडवानी इसमें अक्षय के ऑपोजिट दिखाई देंगी। कंटेंट और किरदार के लिहाज से कांचना 2 को पहले से भी बहुत पसंद किया जा चुका है। अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन के दिन ये ऐलान किया था कि वो दिवाली पर पृथ्वीराज की कहानी लेकर आ रहे हैं। अक्षय कुमार की ये पहली हिस्टोरिकल फिल्म होगी। राजा पृथ्वीराज की कहानी काफी दिलचस्प होगी क्योंकि 13 साल की ही उम्र में उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अजमेर की गद्दी संभाली। बताया जाता है कि पृथ्वीराज ने बिना हथियार के अपनी बहादुरी से शेर मार डाला था। संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी भी फिल्म में दिखाई जाएगी। क्रिसमस 2020 पर बच्चन पांडे की एक्शन कॉमेडी फिल्म के साथ अक्षय कुमार आ रहे हैं और ये तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है, जहां 4 भाई मिलकर अपने बड़े भाई की शादी करवाते हैं ताकि वो भी शादी कर सके। हिंसा करना इनके परिवार के लिए आम है। रोमांस, एक्शन और कॉमेडी से ये फिल्म भरपूर होगी और इसका लुक पहले ही काफी पसंद किया जा चुका है। रोहित शेट्टी के साथ अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी होली के करीब रिलीज होने की संभावना है। अक्षय एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी की भूमिका में होंगे, जहां पर अक्षय फिर से एक्शन करते हुए दिखेंगे। सिम्बा के बाद इसे फिर से रोहित शेट्टी की सुपरहिट फिल्म माना जा रहा है। ये होली पर रिलीज हो सकती है। अक्षय कुमार 15 अगस्त 2020 को भी कोई फिल्म के साथ सिनेमाघर में दिखाई दे सकते हैं। मिशन मंगल के साथ रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा और गोल्ड अक्षय की 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्में हैं। हर साल अक्षय 15 अगस्त के समय कोई ना कोई देश से जुड़ी कहानी लेकर आ ही जाते हैं। 15 अगस्त 2020 पर भी यही उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, अक्षय कुमार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज से। सूर्यवंशी में हुई किस नई एक्ट्रेस की एंट्री? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है, जहां एक और खबर है कि कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है। वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता, जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में एटीएफ चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की माँ के किरदार के लिए फाइनल किया गया है और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड़ देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक्स की मदद से और भी ज्यादा उम्रदराज दिखाया जाएगा, ताकि वो अक्षय की मां दिख सके। फिल्म में इनका रोल काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे वक्त बाद गुलशन ग्रोवर बड़ी कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं और फिल्म में उनका अंदाज काफी अलग होगा। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूर्यवंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंघम और सिम्बा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। और बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। माना जा रहा था कि ये तमिल फिल्म थीरन अधिगरम ओंद्रू की हिंदी रीमेक होगी, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी एकदम ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल अंदाज में अक्षय कुमार धमाका करते हुए नजर आएंगे बड़े पर्दे पर एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्बा लेकर आए और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्बा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया।
एटीएस वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में, और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्बा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्भा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्भा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को। अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे जैसे अभिमन्यु सिंह, निकितन धीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसू टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे इस कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है जो कि 27 मार्च 2020 है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को अभी से सुपरहिट क्यों कहा जा रहा है? सूर्यवंशी में 2018 की बेस्ट एक्ट्रेस के आ जाने से ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां एक और खबर है कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है, वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों में जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं जो आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की मां के किरदार के लिए फाइनल किया गया है और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड़ देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। नीना गुप्ता के एंट्री सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक की मदद से और उम्रदराज दिखाया जाएगा ताकि वो अक्षय की माँ दिख सकें। फिल्म में इनका रोल काफी दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर न लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी।
फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूरबंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेंगे। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। सूरबंशी में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूरबंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और रणबीर सिंह यानी कि सिम्भा भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंघम और सिम्भा के साथ सूरबंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। ये फिल्म किसी साउथ फिल्म का रिमेक नहीं है, बल्कि इसकी कहानी ओरिजिनल है, ऐसा रोहित शेट्टी कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सूरबंशी की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। वहीं ताजा खबरों की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नजर आ सकते हैं। सूरबंशी, सिम्भा और सिंघम के साथ रोहित शेट्टी धमाकेदार क्लाइमेक्स सीन शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। सूरबंशी 27 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। पहले फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी ने रिलीज खिसका लिया था। बहरहाल इस फिल्म के साथ पहली बार रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी बनी है, लिहाजा अक्षय के फैंस भी फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं अब अजय देवगन और रणवीर सिंह की एंट्री फिल्म को और धमाकेदार बनाने वाली है। हैदराबाद में क्लाइमेक्स की शूटिंग होने वाली है। सूरबंशी में सिंघम बने अजय देवगन और सिम्भा बने रणवीर सिंह खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। सिंघम और सिम्भा के साथ सूरबंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। आपको बता दें, फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। रोहित शेट्टी का मानना है कि ये किसी तमिल फिल्म का रिमेक नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूरबंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते नजर आएंगी। अक्षय कुमार फिल्म में एटीएस अफसर वीर सूरबंशी की भूमिका में दिखेंगे। यहां अक्षय कुमार आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स की खास बातें क्या हैं और सूर्यवंशी को इंडियन एवेंजर्स क्यों कहा जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्भा लेकर आए और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्भा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया एटीएस वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में। और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्भा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्भा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्भा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को।
अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है, जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे, जैसे अभिमन्यु सिंह, निकीतन धीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसु टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे स्कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है, जो कि 27 मार्च 2020 है। तो फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और कॉप यूनिवर्स की फौज को देखने के लिए आपके मन में कितनी बेचैनी है। नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। टिप टिप बरसा पानी के रिमिक्स में रवीना टंडन को लेकर अक्षय कुमार एक बार फिर से क्यों घिस दिए गए? टिप टिप बरसा पानी के तर्ज पर और किस गाने को बनाया गया था? रोहित शेट्टी दबंग 4 क्यों बनाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, टिप टिप बरसा पानी गाना सुनकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वही पीली साड़ी पहने बारिश में नाचती झूमती रवीना टंडन। इससे बाकायदा एक जनरेशन की यादें जुड़ी हुई हैं। नो डाउट गाना काफी ब्लॉकबस्टर हिट हुआ और अब अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी में इसे रिमिक्स करने जा रहे हैं। तो इस बारे में अपने फैंस को जानकारी देते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अक्षय कुमार लिखते हैं, आई वुड हैव डेफिनेटली बीन डिसअपॉइंटेड इफ एनी अदर एक्टर वुड हैव रिक्रिएटेड टिप टिप बरसा पानी, अ सॉन्ग विच हैज बीन सिनोनिमस विद मी एंड माई करियर एंड आई कांट थैंक रतन जैन जी इनफ। At times like these you realize we may have come a long way but we also go back a long way। लेकिन ये बात अक्षय कुमार के फैंस के गले भी नहीं उतरी कि टिप टिप बरसा पानी उनका गाना है। इस गाने को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रवीना टंडन के लिए देखा था। इस गाने के बाद रवीना की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग में भारी उछाल आया था, इसीलिए ये उनके करियर के प्राय वाले लाइन के साथ भी मैच करता है। ये गाना 1994 में आई फिल्म मोहरा का हिस्सा था। इसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था विजू शाह ने। इसे अलका याग्निक और उदित नारायण ने मिलकर गाया था। राजीव रॉय डायरेक्टेड फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार, रवीना टंडन के अलावा सुनील शेट्टी, नसीरुद्दीन शाह और परेश रावल ने भी मुख्य किरदार निभाए थे। वेल, देखा जाए तो अक्षय कुमार के दिन पहले ही नहीं सही चल रहे, वो जो भी करने जाते हैं वो उल्टा ही हो जाता है। जैसे ये ट्वीट उन्होंने गाने के राइट्स मिलने के बाद रतन जैन को थैंक यू बोलने के लिए लिखा था, लेकिन यहाँ भी वो ट्रोल कर दिए गए। उनके फैंस ने ही उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कम से कम रवीना टंडन को क्रेडिट तो दे दीजिए। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि ये इस क्लासिक को रीमेक करके खराब मत कीजिए, क्योंकि वो इस गाने की रवीना टंडन के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्षय कुमार के ट्वीट पर आए कुछ चुनिंदा कमेंट्स हम आपको सुनाते हैं। सारे निंजा ने ट्वीट किया है, यू आर अ ग्रेट एक्टर बट टिप टिप बरसा पानी वॉज नेवर सिनोनिमाइज्ड विद यू। रवीना टंडन रेन द शो देयर एंड वॉज द सोल एलिमेंट बिहाइंड इट्स सक्सेस।
गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू एल्स इट्स जस्ट अनदर वन ऑफ बॉलीवुड बॉयज क्लब रीमेकिंग एन आइटम सॉन्ग विद एन एक्ट्रेस हाफ देयर एज। वहीं रितु ने ट्वीट किया है क्रेडिट टू सिजलिंग एट द रेट टंडन रवीना इज मिसिंग शी डिजर्व्स एट लीस्ट क्रेडिट शी प्लेड अ ह्यूज रोल। तो रमदास भारद्वाज ने ट्वीट किया है आई वॉज सो फिक्सेटेड टू एट द रेट टंडन रवीना दैट ओनली लेटर पीपल एट होम सेड यू वर द ऑल्सो देयर। तो सादिया हबीब लिखती हैं वॉजंट दैट अ रवीना टंडन सॉन्ग शी वॉज द लीड इन द सॉन्ग हर एक्टिंग मेड इट अ बिग हिट हु न्यू यू बैक देन। तो उन्नति मदन ने ट्वीट किया है आई कांट इमेजिन दिस सॉन्ग विदाउट रवीना इन इट डोंट रिक्रिएट इट प्लीज। तो एक मोहतरमा ने ट्वीट किया है दैट सॉन्ग इज सिनोनिमस ओनली विद रवीना टंडन एंड यू डिडंट इवन मेंशन हर यू वर नॉट इवन द हाईलाइट ऑफ दैट सॉन्ग गेट दैट क्लियर। तो इन ट्वीट से एक बात तो क्लियर है कि रवीना टंडन की कमी सबको खल रही है और ये बात साबित भी होती है। आपको अक्षय कुमार की फिल्म दे दना दन तो याद ही होगी। इस फिल्म के गाने गले लग जा को भी टिप टिप बरसा के तर्ज पर ही बनाने की कोशिश की गई थी। इसमें कैटरीना कैफ ने पीली साड़ी भी पहनी थी और पानी झरने के नीचे खड़े होकर डांस भी किया था। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये गाना टिप टिप बरसा की पॉपुलैरिटी के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। अगर आपको अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का ये गाना याद नहीं है तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। वेल, अब अक्षय कुमार ये गाना जिस फिल्म के लिए रिक्रिएट करने जा रहे हैं उसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। वही कॉप यूनिवर्स जिसमें अब तक अजय देवगन की सिंघम और रणवीर सिंह की सिम्भा शामिल हो चुकी है। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी सलमान खान की दबंग को भी अपने यूनिवर्स में लाना चाहते हैं। जी हाँ, वो भी दबंग 4 के साथ। यानी कि दबंग 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई और दबंग 4 की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है। वेल, आपको बता दें कि सूर्यवंशी में अक्षय कुमार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ DCP वीर सूर्यवंशी का रोल कर रहे हैं। वहीं पहले सुनने में ये भी आया था कि सलमान खान की संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड इंशाअल्लाह और अक्षय कुमार की सूर्यवंशी एक ही दिन यानी कि ईद 2020 पर रिलीज होनी थी, लेकिन रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट ईद से प्रीपोन कर 27 मार्च 2020 कर दी है ताकि सलमान खान हर साल की तरह ईद का पूरा फायदा उठा सके। या फिर ये उन्होंने इसलिए किया है कि वो सलमान खान को अपनी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अक्षय कुमार से भी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि सूर्यवंशी की रिलीज डेट बदलने का फैसला पूरी तरह से रोहित शेट्टी और सलमान खान का था, इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। आई एम अभिनव शर्मा एंड आई वार्मली वेलकम यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फिल्म सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी वो फिल्म है जो कि रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं अक्षय कुमार। हाल ही में अक्षय कुमार ने इसका पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसका कैप्शन अक्षय कुमार ने डाला है अ बुलेट फॉर अ बुलेट, गेट रेडी फॉर रोहित शेट्टी सूर्यवंशी। आपको बता दूं कि ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली है यानी कि 2020 में ईद पर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल सलमान खान ईद पर आते ही हैं अपनी कोई ना कोई फिल्म लेकर। इस साल भी आ रहे हैं 2019 में भारत के साथ और अगले साल शायद या फिर तो किक 2 के साथ आएंगे या फिर संजय लीला भंसाली के साथ उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसको नाम दिया जा रहा है हम दिल दे चुके सनम 2। उसकी वैसे कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें कि अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म क्लैश होगी और ये जानबूझकर, मेरा तो मानना है कि जानबूझकर ये क्लैश किया जा रहा है और कारण इसका एक ही है। अक्षय कुमार की जो आने वाली फिल्म है मार्च में, 21 मार्च को फिल्म केसरी जो आ रही है उसमें पहले सलमान खान का भी एसोसिएशन होने वाला था, लेकिन सलमान खान को जैसे ही अजय देवगन की फिल्म तानाजी के बारे में पता चला, तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में, तो उन्होंने अपना केसरी से एसोसिएशन हटाकर अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से कर लिया। और माना जा रहा है कि फिल्म में सलमान खान का रोल छत्रपति शिवाजी का हो सकता है। तो जैसे ही अक्षय कुमार को यह बात पता चली तो अक्षय कुमार सलमान खान से थोड़ा खफा हो गए, जिसके बीच उनके बीच 36 का आंकड़ा हो गया और शायद यही कारण है कि जिस वजह से सलमान खान के साथ अक्षय कुमार अगले साल क्लैश करने वाले हैं। बात करें अक्षय कुमार की इस साल की आने वाली फिल्मों की, तो क्या मैंने बताया कि केसरी आने वाली है मार्च 21 को और फिर उसके बाद हाउसफुल 4,
फिर उसके बाद आएगी गुड न्यूज। अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर हैं जो मिनिमम साल में 3 फिल्में तो देते ही हैं, और आजकल ऐसे और नए एक्टर्स आ गए हैं जो कि 3 से 4 फिल्में देने में विश्वास करते हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विक्की कौशल। और बात करें अक्षय कुमार की इस साल की फिल्म की, तो केसरी के बारे में तो मैंने बताया है कि मार्च 21 को अक्षय कुमार की केसरी आ रही है, फिर उसके बाद हाउसफुल 4 आएगी, फिर उसके बाद गुड न्यूज़ आएगी, और फिर उसके बाद ईद पर आएगी सूर्यवंशी, जिसके लिए अक्षय कुमार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है, अक्षय कुमार किसी भी फिल्म के लिए 40 से 45 दिन से ज्यादा नहीं देते हैं। सूर्यवंशी में हुई किस नई एक्ट्रेस की एंट्री? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है, जहां एक और खबर है कि कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है। वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों को जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता, जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में ATF चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, जो कि आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की माँ के किरदार के लिए फाइनल किया गया है, और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक्स की मदद से और भी ज्यादा उम्रदराज दिखाया जाएगा, ताकि वो अक्षय की मां दिख सके। फिल्म में इनका रोल काफी ज्यादा दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। वहीं फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे वक्त बाद गुलशन ग्रोवर बड़ी कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं, और फिल्म में उनका अंदाज काफी अलग होगा। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूर्यवंशी में सिंह यानी कि अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंह और सिम्बा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी, और बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। माना जा रहा था कि ये तमिल फिल्म थीरन अधिगरम ओंद्रु की हिंदी रिमेक होगी, लेकिन रोहित शेट्टी ने इससे इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी एकदम ओरिजिनल है, यानी कि ओरिजिनल अंदाज में अक्षय कुमार धमाका करते हुए नजर आएंगे बड़े पर्दे पर एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, यानी उनकी अजय देवगन स्टारर सिंघम सीरीज की अपार सफलता के बाद वो रणवीर सिंह के साथ सिम्बा लेकर आए, और वो भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शायद रोहित शेट्टी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिम्बा काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी उन्होंने इस फिल्म के आखिर में जनता को एक जोरदार टीजर दे दिया ATS वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार के रूप में। और तब से रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की तैयारियों में लग गए। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। ये फिल्म कई मायनों में खास है, क्योंकि इस फिल्म में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी पहली बार साथ काम करेंगे, और अक्षय एक बार फिर से हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे। सिम्बा के एंड में अक्षय का किरदार दिखाकर रोहित शेट्टी ने इस बात का हिंट दे दिया था कि अक्षय कुमार अजय देवगन और रणवीर सिंह को उनकी कॉप यूनिवर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद फिर सूर्यवंशी के पोस्टर्स मार्केट में आए, और गौर करने वाली बात ये दिखी कि ये पोस्टर्स अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी पोस्ट किए, साथ में लिखा सूर्यवंशी अकेला नहीं है। लेकिन तब ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये दोनों एक्टर्स भी अक्षय के साथ दिखेंगे या बस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, मगर अब फाइनली इस बात को थम्स अप मिल गया है। अक्षय कुमार ने सिंघम और सिम्बा बोले तो अजय देवगन और रणबीर सिंह के साथ ये पोस्टर शेयर किया और लिखा कॉप यूनिवर्स के देसी एवेंजर्स। जब सिंघम मिला सिम्बा से और ये दोनों मिले वीर सूर्यवंशी से, सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि धमाका होगा 27 मार्च 2020 को।
अब सूर्यवंशी के आने का फुल माहौल अक्षय ने सेट कर ही दिया है, तो इस फिल्म और उनके रोल से जुड़ी थोड़ी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक पुलिस वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ का रोल करने वाले हैं। उनके अपोजिट कैटरीना कैफ को कास्ट किया गया है, जो फिल्म 30 मार खान के बाद उनके साथ काम करेंगी। पहले सूर्यवंशी में विलेन के रोल के लिए कई नाम सामने आए थे, जैसे अभिमन्यु सिंह, निकीतन धीर, गुलशन ग्रोवर और विवान भटेना, मगर कांटा अभिमन्यु पर रुका है। इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर निभाते गुलाल फिल्म के रणसा यानी अभिमन्यु सिंह दिखेंगे। इसके अलावा बधाई हो के बाद नीना गुप्ता इस फिल्म में अक्षय की माँ का रोल प्ले करेंगी। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में एक्शन सीन्स खुद परफॉर्म करने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म के स्टंट्स भी वो एक्सपर्ट की देखरेख में खुद ही कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ टाइम बाद अक्षय कुमार ने एक धांसू टाइप की फोटो भी अपलोड की थी। इसमें अक्षय कुमार एक हेलीकॉप्टर से लटके हुए नजर आ रहे हैं और आगे आगे स्कॉप यूनिवर्स के रचयिता बाइक चेस जैसा कोई सीक्वेंस शूट करते दिख रहे हैं। 9 अक्टूबर की बात है, फिल्म की हीरोइन कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार की यूनिफॉर्म की एक फोटो भी शेयर की थी, ये बताते हुए कि वो सूर्यवंशी की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए एक विशालकाय सेट बनाया गया। यहां 10 अक्टूबर से लेकर अगले 20 दिनों के शेड्यूल में इस सीक्वेंस को शूट किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है सूर्यवंशी के क्लाइमेक्स सीन का ये हाईलाइट होगा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बनाए कॉप यूनिवर्स के तीनों कॉप्स पहली बार एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की एक्साइटमेंट आसमान पर है। अगर उत्सुकता बढ़ गई है तो बढ़िया है, ट्रेलर का इंतजार कीजिए। अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज डेट तो बता ही दी है, जो कि 27 मार्च 2020 है। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को अभी से सुपरहिट क्यों कहा जा रहा है? सूर्यवंशी में 2018 की बेस्ट एक्ट्रेस के आ जाने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही फिल्म सूर्यवंशी 2020 मार्च में रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग पूरे जोर शोर से चल रही है। जहां एक और खबर है कि फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग फिर से होने वाली है, वहीं रोहित शेट्टी फिल्म में कुछ नए किरदारों को भी जोड़ने वाले हैं। दरअसल मेकर्स फिल्म की कहानी में कुछ बदलाव ला रहे हैं और कुछ नए किरदारों में जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अक्षय के माता पिता जो पहले कहानी का हिस्सा नहीं थे। अक्षय कुमार फिल्म में ATS चीफ वीर सूर्यवंशी का किरदार निभा रहे हैं, जो आतंकवाद से निपटते दिखेंगे। वहीं नीना गुप्ता को अक्षय की मां के किरदार के लिए फाइनल किया गया है और एक एक्टर को पिता के लिए भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल एक्टर का नाम बाहर नहीं आया है। फिल्म में एक इमोशनल मोड देने के लिए किरदारों को जोड़ा जा रहा है। नीना गुप्ता की एंट्री सूत्रों के अनुसार नीना गुप्ता को प्रोस्थेटिक की मदद से और उम्रदराज दिखाया जाएगा, ताकि वो अक्षय की माँ दिख सकें। फिल्म में इनका रोल काफ़ी दमदार होने वाला है। गौरतलब है कि नीना गुप्ता को साल 2018 में फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। सूर्यवंशी पहले 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर न लेते हुए रोहित शेट्टी अब अपनी फिल्म 27 मार्च 2020 को रिलीज कर रहे हैं। फिल्म में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूर्यवंशी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेंगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते हुए नजर आएंगी। फिल्म में मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। सूर्यवंशी में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, बल्कि फिल्म सूर्यवंशी में सिंघम यानी कि अजय देवगन और रणबीर सिंह यानी कि सिम्भा भी खास किरदारों में नजर आएंगे। सिंघम और सिम्भा के साथ सूर्यवंशी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। बता दें कि फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। ये फिल्म किसी साउथ फिल्म का रिमेक नहीं है, बल्कि इसकी कहानी ओरिजिनल है, ऐसा रोहित शेट्टी कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग जोर शोर से चल रही है। अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म का जबरदस्त क्रेज है। वहीं ताजा खबरों की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह भी नजर आ सकते हैं। सूर्यवंशी, सिम्भा और सिंघम के साथ रोहित शेट्टी धमाकेदार क्लाइमेक्स सीन शूट करने की तैयारी कर रहे हैं। सूर्यवंशी 27 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है।
पहले फिल्म 2020 ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म से टक्कर ना लेते हुए रोहित शेट्टी ने रिलीज खिसका लिया था। बहरहाल इस फिल्म के साथ पहली बार रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की जोड़ी बनी है, लिहाजा अक्षय के फैंस भी फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वहीं अब अजय देवगन और रणवीर सिंह की एंट्री फिल्म को और धमाकेदार बनाने वाली है। हैदराबाद में क्लाइमेक्स की शूटिंग होने वाली है। सूरबंसी में सिंघम बने अजय देवगन और सिम्हा बने रणवीर सिंह खास किरदारों में नजर आने वाले हैं। सिंघम और सिम्हा के साथ सूरबंसी भी एक फ्रेंचाइजी के तौर पर आएगी। आपको बता दें फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। रोहित शेट्टी का मानना है कि ये किसी तमिल फिल्म का रिमेक नहीं है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी ओरिजिनल है। मुख्य विलन बने नजर आएंगे गुलशन ग्रोवर। लंबे समय के बाद गुलशन ग्रोवर बड़े कमर्शियल फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वो काफी अलग अंदाज में दिखेंगे। कैटरीना कैफ अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में दिखेंगी। फिल्म में उनका किरदार काफी अहम है, जो सूरबंसी के साथ उसकी लड़ाई में शामिल रहेगी। फिल्म में कैटरीना भी एक्शन करते नजर आएंगी। अक्षय कुमार फिल्म में ATS अफसर वीर सूरबंसी की भूमिका में दिखेंगे। यहाँ अक्षय कुमार आतंकवाद के खिलाफ खड़े नजर आएंगे।